हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विनय सिंह। आज बेटा, आज एनिक इक्विलिब्रियम का हम वन शॉट रिवीजन शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें बच्चों का काफी डिमांड्स आ रहा था कि सर वन शॉट का एक सीरीज चालू करिए। तो इससे पहले के लेक्चर में हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम का वन शॉट आ चुका है। तो अगर कृपया, अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो केमिकल इक्विलिब्रियम का वन शॉट देख सकते हैं। ऐसे ही वन शॉट रिविजन के लिए मैंने यहाँ पर एनिक इक्विलिब्रियम का एक वन शॉट रिविजन चलाने का प्रयास किया है। तो हम इसको कोशिश करेंगे कि 40 मिनट्स या विद इन आधे घंटे में इस वीडियो लेक्चर को पूरी तरह से समाप्त किया जाए, यानी एनिक इक्विलिब्रियम इन 40 मिनट्स इन वन शॉट रिवीजन। बेटा, इसमें सारे कंटेंट को मैंने इसमें कंपाइल करने का, लिखने का प्रयास किया है। तो देखो, इसमें एक एक करके डिस्कस करते हैं बच्चे। ओके, तो देखो सिंपली एनिक इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो अगर हम बात करें एनिक इक्विलिब्रियम में, तो स्पेशली इसमें जो सब्सटेंस होते हैं, सब्सटेंस का मतलब सिंपली अभी हम लोग इलेक्ट्रोलाइट को डिस्कस करेंगे। बेटा, जो सब्सटेंस है और आयन्स के बीच में इक्विलिब्रियम का स्टेबलिश होना आयनिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। यानी सब्सटेंस होगा और आयन्स हो गए, उनके बीच में इक्विलिब्रियम का स्टेबलिश होना बेटा क्या बोला जाएगा? आयनिक इक्विलिब्रियम बोला जाएगा। तो अब देखो, आयनिक इक्विलिब्रियम को जानने से पहले हमारे पास सबसे पहला बेसिक जो इन्फॉर्मेशन आता है इलेक्ट्रोलाइट को लेकर आता है। क्या आता है बच्चे? इलेक्ट्रोलाइट को आता है। तो इसमें एक एक करके सीखने का प्रयास करते हैं, और जहां अच्छे एग्जाम्पल आएगा उसको भी अच्छे से आप नोट करते चलिएगा। तो आप मेरे साथ साथ इसको नोट भी करते चलेंगे तो बहुत आसानी से आप इसको आधे घंटे के वीडियो लेक्चर में आप आयनिक इक्विलिब्रियम को एक ही प्लेटफॉर्म पर सीख जाएंगे। तो देखो, मैंने इसमें स्टेटमेंट को भी मेंशन कर दिया है। इलेक्ट्रोलाइट बेटा होता क्या है? देखो, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का सिंपली मतलब ये होता है कि जो आयन्स में टूट जाए, जो आयन्स में क्या हो जाए? टूट जाए। अब आयन्स में कैसे टूटेगा? जब इनको पानी में डालोगे या फिर आप इनको मोल्टन कर दोगे, तभी तो आयन्स में टूटेंगे। ऐसे तो सिंपली क्या कहते हैं, जैसे NaCl है या आपके सब्सटेंस ऐसे पड़े होते हैं, जब इनको पानी में डाल दोगे तो ये Na+ में टूटेगा और Cl- में टूटेगा बच्चे। तो देखो, स्टेटमेंट क्या है, इससे पहले आप सब्सटेंस लिख लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास इसमें कंटेंट काफी बड़ा ना हो जाए तो मैंने कुछ चीजें कम कर दिया है। तो इससे पहले बेटा इस इंफॉर्मेशन क्या लिखोगे? सब्सटेंस which provides ions and acid good conductors of electricity, okay, in aqueous medium. आगे बच्चे क्या लिख सकते हो? In dissolved state और molten state. आगे इसमें क्या mention कर दोगे? In dissolved और molten state. क्योंकि ये तो dissolved state में ions में टूट सकता है या फिर molten state में ions में decompose हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट का सिंपलेस्ट मतलब हो गया आयन्स में टूटना। कैसे टूटेगा? जब उसको या तो हीट कर दोगे या तो उसको पानी में सीधा सीधा डाल दोगे। अब देखो, यहां पर इसका एक टाइप बेटा और आता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी आता है। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट देखो मैंने लिखा नहीं है, तो आप उसमें सिंपली मेंशन कर सकते हो सब्सटेंस विच डू नॉट डिसोसिएट इंटू आयन्स। जैसे बच्चे ग्लूकोज होता है, अब ग्लूकोज का देखो फॉर्मूला कुछ C6 है, H12 है, O6 है। तो जब इनको पानी में आप डालोगे ना, ये एज इट इज ऐसे ही डिकम्पोज होंगे। मतलब ये सिंपली देखो, अगर 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है, तो ये टूटेगा नहीं, ये सिंपली आपके पास ऐसे ही रह जाएगा। तो ये आपके एग्जांपल किस में आ जाएंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट में आ जाएंगे। क्या क्या एग्जांपल हो जाएंगे? ग्लूकोज हो गया, स्टार्च हो गया, ग्लिसरीन हो गया, ये सारे के सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ओके, जब आयन्स में टूटेंगे नहीं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं होगा और उससे क्या ना कंडक्टिविटी में या इलेक्ट्रिसिटी में अच्छे से फ्लो नहीं कर पाएगा। अब बेटा देखो, इलेक्ट्रोलाइट के दो टाइप होते हैं, क्योंकि ये सभी बेसिक जानना जरूरी है, क्योंकि क्लास 12th में इलेक्ट्रोलाइट का काफी यूजफुल काम होता है। यानी इलेक्ट्रोलाइट का बेसिक इंफॉर्मेशन क्लास 11th में है, डिटेल इंफॉर्मेशन क्लास 12th में अच्छे से सीखा जाता है। अब बच्चे देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सिंपली क्या मतलब होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सिंपली मतलब है सब्सटेंस विच डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू आयन्स। देखो, मैंने इसमें वर्डिंग को थोड़ा स्पेशली कम मेंशन किया है, जो की वर्ड है मैंने उसी को मेंशन किया है। तो आप पूरी तरह से क्या लिखेंगे? सब्सटेंस विच डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू आयन्स। जो 100% पानी में डालने पर क्या होते हैं? पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाते हैं आयन्स में, ऐसे वाले को बच्चे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है। तो क्या हो गया? सब्सटेंस विच डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू आयन्स। तो इसमें आपने ये भी लिख सकते हो, मैंने जो लिखा है,
आयंस व्हेन डिजॉल्व स्टेट इन, और फिर या मोल्टेन स्टेट हो सकता है। अब देखो मेनली आपको एग्जांपल याद रखने हैं बेटा, इसमें एस ए का मतलब है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड किस में आएंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आएंगे। तो बेटा एग्जांपल क्या हो गया, HCl हो गया, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो HCl होता है, HNO3 होता है, H2SO4 होता है, क्योंकि जैसे ही पानी में डालोगे ये पूरी तरह से 100% H+ में और Cl- में डिसोसिएट हो जाएगा, डन। वैसे ही देखो सेकंड एग्जांपल बेटा इसमें है स्ट्रॉन्ग बेस को लेकर के है। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, जो ग्रुप वन के मेंबर होते हैं, कुछ और बेहतरीन एग्जांपल याद कर लीजिए, जो ग्रुप वन के मेंबर होते हैं लाइक लिथियम हाइड्रोक्साइड हो गया, जैसे लिथियम होते हैं ग्रुप वन में, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, ये सारे के सारे ग्रुप वन में होते हैं। अगर इनके साथ OH चिपका दोगे तो ये बेटा सारे क्या शो करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस को शो करेंगे। क्या शो करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस को शो करेंगे। तो LiOH हो गया, NaOH हो गया, KOH हो गया। अब देखो एसिड और बेस जब मिलते हैं तो हम सभी जानते हैं सॉल्ट बनते हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया और उससे बना उसका सॉल्ट हो गया, तो इसमें क्या आएगा, NaCl आएगा, KCl आएगा, वैसे ही MgCl2 आएगा, CaCl2 आएगा, तो आप उनको भी आगे ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट बच्चे देखो क्या है, इसमें एक पॉइंट और लिख सकते हो, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बेटा होते हैं इनके लिए अल्फा की वैल्यू क्या होता है, एक होता है, यानी अल्फा वन का मतलब 100% ये पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाते हैं। ये भी आप इसमें एक अलग से पॉइंट लिख सकते हो, फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से इंडिकेट करते हैं, जो पूरी तरह से 100% आयनाइज हो जाते हैं। तो अल्फा कितना आएगा इसमें, 100% आएगा। यहां तक बात आपको समझ में आ गया, जो भी नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को पॉज करके बार बार आप उसको देखते रहेंगे, काफी चीज आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मैं अपनी स्पीड को बहुत ज्यादा फास्ट नहीं किया हूं, क्योंकि थोड़ा ये बेसिक है, तो अभी धीरे चलता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा, थोड़ा फास्ट कर दूंगा इसको। ओके बच्चे देखो नेक्स्ट है वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो तो वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग का उल्टा हो जाएगा, अगर स्ट्रॉन्ग पूरी तरह से टूटेगा तो वीक क्या होगा, यानी ये स्मॉल एक्सटेंट में आयनाइज होंगे। ओके जैसे लैंग्वेज देखो बेटा सब कुछ लिखा हुआ है, तो आगे की लैंग्वेज आप ऐड कर लेना, सब्सटेंस विच आयनाइज स्मॉल एक्सटेंट या सब्सटेंस विच डू नॉट कंप्लीटली इनटू आयंस, तो बेटा ये हो जाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। एग्जांपल देखो वीक एसिड हो गए, तो जितने भी ऑर्गेनिक के एसिड्स होते हैं, क्या होते हैं ऑर्गेनिक के जो एसिड्स होते हैं, जैसे फॉर्मिक एसिड है, जैसे एसिटिक एसिड है, ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, वीक एसिड होते हैं। ये क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं, क्योंकि जब इनको डिजॉल्व स्टेट में या फिर पानी में डालोगे तो ये पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होते हैं, ये पार्शियली आयनाइज होते हैं, इसलिए इनको वीक इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। और मैं तुम्हें एक इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ कि पूरे इस इंटायर चैप्टर में, दैट इज आयनिक इक्विलिब्रियम में, आप जो भी सब्सटेंस के बारे में पढ़ोगे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग जो होता है वो पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाता है। तो जो पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएगा तो हमें उसमें केमिस्ट्री जानने का प्रयास नहीं करना है। आई एम इंटरेस्टेड इन वीक इलेक्ट्रोलाइट इंटायर चैप्टर, क्योंकि जो धीरे धीरे आयनाइज होगा तो पूरी इंटायर आयनिक इक्विलिब्रियम उसी पे टिका हुआ है। ओके आई होप कि इतनी बातें आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। और कुछ अच्छे एग्जाम्पल देखो, HCl है, तो बेटा HCl का नाम है हाइड्रोजन साइनाइड, नाम के बच्चे हाइड्रोजन साइनाइड है। इसके बाद इसका बेटा नाम क्या है, H2CO3, इसका नाम बेटा है कार्बोनिक एसिड, जो कोल्ड ड्रिंक में, जो सॉफ्ट ड्रिंक में यूज किया जाता है वो यही एसिड होता है, और उसमें CO2 मिलाया जाता है, पानी होता है, CO2 और पानी मिलकर के कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जो हमें गले में जो टेस्ट आता है ना वो इसी की वजह से आता है, इसी एसिड की वजह से हमें पेन होता है, समझो। अब बच्चे देखो इसमें अगला है NH4OH, तो ये वीक बेस का एग्जाम्पल हो गया, वीक एसिड हो गया, वीक एसिड हो गया और ये वीक बेस हो गया, डन। तो इलेक्ट्रोलाइट की पूरी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई, हम लोगों ने क्या क्या सीखा, फिर से करीब कैप कर लीजिए, इलेक्ट्रोलाइट बच्चे हमने क्या सीखा, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में सीखा, फिर उससे रिलेटेड नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बारे में सीखा, ठीक उसका उल्टा हो गया, एग्जाम्पल स्टार्च था, ग्लिसरीन था, ग्लूकोज था। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, हम लोगों ने डिफरेंस के बारे में समझ लिया, यानी दोनों को एक वर्टिकल कॉलम से डिफरेंस के माध्यम से अंडरस्टैंड कर लिया। एक इसमें अलग से इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो अल्फा होता है वो लेस देन वन होता है, मतलब कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज लेस देन वन।
ओके, सब इंफॉर्मेशन आपको आगे के आने वाले कंटेंट में काफी काम आएगा बच्चे। ओके, अब देखो बेटा इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट होता है, जिसका नाम है एसिड बेस इक्विलिब्रियम, मैंने लिखा है। ओके, तो देखो एसिड बेस को पहचानने के लिए हमारे सिलेबस में आयनिक इक्विलिब्रियम में तीन तरह की थ्योरी को प्रपोज किया गया है। एक पहला है एसिड बेस, जिसे आर्हेनियस एसिड बेस थ्योरी कहा गया है। सेकेंड थ्योरी आता है लॉरी ब्रॉन्स्टेंट एसिड बेस कॉन्सेप्ट आता है। थर्ड बेटा थ्योरी आता है लुइस एसिड बेस कॉन्सेप्ट आता है। तो धीरे धीरे एक एक करके इसको सीखने का प्रयास करते हैं, इन थ्योरी में क्या क्या कमी रह गई है, इन्हीं थ्योरी को रिफॉर्म करने के लिए आगे की थ्योरी हमें जानने का प्रयास करना है। तो एक एक करके सीखते हैं एसिड बेस यानी आर्हेनियस के हिसाब से क्या था। तो सिंपलेस्ट एसिड बेस को प्रेडिक्ट करने के लिए हमारे पास आर्हेनियस भाई साहब आए थे, जिन्होंने सबसे पहले एसिड और बेस के बारे में हमारे केमिस्ट्री में थ्योरी को प्रपोज किया था। तो सिंपलेस्ट हम सभी जानते हैं, वी ऑल नो, 9-10 से पढ़ाया जाता है हमें कि बेटा एसिड क्या होता है, जो H+ फर्निश करता है। अब H+ कैसे फर्निश करेगा, क्योंकि देखो ऐसे तो फर्निश करेंगे नहीं, मतलब फर्निश करने का मतलब होता है जो पानी में रिलीज कर देगा, जो त्याग कर देगा, ऐसे को बेटा सिंपली फर्निश वर्ड यूज किया जाता है केमिस्ट्री में। तो सिंपली क्या हो गया, एसिड जो होते हैं विच फर्निश H+ आयन इन एक्वस मीडियम, जो पानी में H+ में टूट जाते हैं ऐसे वाले को एसिड कहते हैं। ये बात किसने बोली, आर्हेनियस ने ये बात बताई थी, क्योंकि सबसे पहला थ्योरी था। तो जाहिर सी बात है कि थ्योरी आगे चल करके फिल हो जाएगा। इन्होंने ये भी नोटिस किया कि जितने भी H वाले होते हैं वो सारे के सारे एसिड होते हैं, क्योंकि ये बाद में चल करके फेल हो गया, जैसे अमोनिया हमारे मार्केट में आया, क्योंकि अमोनिया के पास भी हाइड्रोजन होता है। तो हर एक हाइड्रोजन दिखने वाला एसिड नहीं हो सकता, हर एक हाइड्रोजन दिखने वाला मॉलिक्यूल एसिड नहीं हो सकता है। ओके, तो एक एक करके इसको सीखते हैं। तो मैंने आप इसमें एग्जांपल छोटे छोटे हैं, HCl है आर्हेनियस के हिसाब से, H2SO4 है, जैसे पानी में डालोगे तो ये H+ में टूटेगा और Cl- में टूटेगा, ये भी H+ दे देगा। तो इनके हिसाब से एसिड का मतलब ये था, दे फर्निश एच प्लस आयन इन एक्वस मीडियम। बेस बेटा क्या हो गया, जो OH- माइनस फर्निश करते हैं, जो क्या फर्निश करते हैं, OH- माइनस फर्निश करते हैं, NMH हो गया, KOH हो गया। ओके, ये अभी आप मत नोट करिए, ये लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन है ये मैं आपको लुइस बेस में पढ़ाऊंगा, अभी लुइस एसिड बेस थ्योरी में। ओके बेटा, एसिड बेस क्लियर हो गया आर्हेनियस के हिसाब से। ड्रॉबैक क्या था इनका, जब मार्केट में अमोनिया आया तो अमोनिया के आ जाने से इसमें भी H दिखता है, तो इसको भी H+ रिलीज करना चाहिए था पानी में, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ, ऐसा संभव नहीं हुआ। तो एक मॉडरेट हमारे पास थ्योरी आता है बेटा, जिसका नाम है लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट। तो लॉरी ब्रॉन्स्टेड में दो तरह के साइंटिस्ट हैं, यानी दो साइंटिस्ट इसमें आते हैं, लॉरी अलग है, ब्रॉन्स्टेड अलग है, इन दोनों को मिला करके एक थ्योरी बनाई गई है, लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी। तो देखो इनके हिसाब से हमें ये सीखने को मिलता है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर सीखने को मिलता है। अब देखो ये थ्योरी जो है ना बच्चे, क्लास 12th में काफी इंपॉर्टेंस आती है, क्योंकि ये जो बेसिक प्लेटफॉर्म है क्लास 12th को लेकर के काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि ये तुम्हें आगे एसिड बेस को प्रेडिक्ट करने में हम या चीजों को डिटरमाइन करने के लिए कि हाउ टू स्ट्रॉन्गर एसिड एंड हाउ टू वीक एसिड, ये कैसे कैलकुलेट किया जाएंगे, आगे क्लास 12th में काम आएगा ये टॉपिक, तो अच्छे से इसको सीखिएगा। तो बच्चे मैंने देखो इसमें स्टेटमेंट लिख दिया है, इसको आसानी से वीडियो को पॉज करके या इसका स्क्रीनशॉट लेकर के जो भी आपको अच्छा लगे, जिस फॉर्म में भी आपको अच्छा लगे, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। तो देखो इसमें बेटा क्या है कि एन एसिड, एसिड क्या करेगा, आफ्टर लूजिंग अ प्रोटॉन बिकेम्स अ बेस एंड बोथ आर कॉल्ड कॉन्जुगेट पेयर्स ऑफ ईच अदर। देखो ये लाइन काफी तुम्हें समझ भी नहीं आया होगा, एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, फिर भी आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि एकेडमिक लेवल पे इनका डेफिनेशन पूछ देता है, तो हमें स्टेटमेंट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब मैं देखो तुम्हें एग्जांपल समझाता हूँ, एग्जांपल से काफी चीजें क्लियर हो जाता है, मतलब पूरा पिक्चर एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा लाइन का मतलब। बेटा देखो इसमें क्या ना कि ये एसिड है, इसको क्या लिखोगे, एसिड लिखोगे। अब देखो ये एसिड हो गया, तो पानी जो होता है ना एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है, पानी क्या शो करता है, एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है। अगर ये एसिड होगा तो बेटा दूसरा क्या होगा, बेस की तरह बिहेव करेगा। डन हो गया यहां तक। अब जरा देखो तो आपने क्या नोटिस किया, एसिड जो होता है ये H+ को लूज करेगा, तो क्या पढ़ा आपने, एन एसिड आफ्टर लूजिंग अ प्रोटॉन बिकेम्स अ बेस, यानी एसिड को जब पानी में डालोगे तो ये H+ को देखो क्या कर दिया इसने, रिलीज कर दिया, CH3COO- आ गया। बेटा ये एसिड हो गया,
तो एसिड का देखो उल्टा क्या आएगा, कॉन्जुगेट बेस आएगा, तो एसिड का उल्टा कॉन्जुगेट बेस, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, सी बी लिख सकता हूं, सी स्टैंड फॉर कॉन्जुगेट एंड बी स्टैंड फॉर बेस, तो एसिड का उल्टा कॉन्जुगेट बेस हो गया, डन हो गया यहां तक। तो अब जरा देखो, तो एसिड ने एच प्लस को लूज किया, तो बेस क्या करेगा, एच प्लस को लेगा, बेस क्या करेगा, एच प्लस को लेगा, तो एसिड का उल्टा कॉन्जुगेट बेस हुआ। अब बेस का उल्टा क्या होगा, जब इसने देखो ये लूज किया और पानी के पास बच्चे दो लोन पेयर बचा रहता है, पानी जो होता है या सिंपली ऑक्सीजन, जिसमें पानी में ऑक्सीजन है, ये दो बॉन्ड बनाता है, दो बॉन्ड बनाएगा, दो लोन पेयर संतुष्ट रहेगा। अब लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है, एच प्लस का मतलब सिंपली ये गरीब व्यक्ति है, तो गरीब व्यक्ति कहां जाएगा, पैसे वाले के पास जाएगा, पैसा वाला बोले तो लोन पेयर होता है, तो ये एच प्लस कहां चला गया, लोन पेयर के पास चला गया, तो क्या हो गया, देखो एच थ्री ओ प्लस हो गया। तो पानी क्या था इसमें, बेस था, अगर ये एसिड है तो पानी क्या बिहेव करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा, गॉट इट। अब जरा देखो, तो ये क्या हो जाएगा, बेस है, तो इसका उल्टा बेटा कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा, तो बेस का उल्टा कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा, डन। तो एसिड का देखो बिरादर कौन है, कॉन्जुगेट बेस, बेस का बिरादर कौन है, कॉन्जुगेट एसिड है, तो यही वाले कहलाएंगे बेटा कॉन्जुगेट पेयर्स कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे बच्चे, कॉन्जुगेट पेयर कहलाएंगे। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, अब लाइन पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। देखो अब पहले एग्जांपल को जानने से पहले पहले स्टेटमेंट थोड़ा सा सीख लेते हैं क्या कहना चाहता है। देखो एन एसिड आफ्टर लूजिंग अ प्रोटॉन इट बिकेम्स अ कॉन्जुगेट बेस, देखो लिखा ना इट बिकेम्स अ कॉन्जुगेट बेस, अब अच्छे से समझ में आ गया होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, कोई गारंटी नहीं कि आपको समझ में आया होगा, फिर भी देखो हमारा काम आपको प्रयास करना है कि एक एक चीज को समझाने का प्रयास करना है, तो आपको वीडियो को पॉज करके समझने का प्रयास करिए, मेरे तरफ से यही उम्मीद है कि आप ऐसा ही करते होंगे। और आगे देखो बच्चे, एंड बोथ आर कॉल्ड, देखो इसी को एसिड को कॉन्जुगेट बेस को क्या बोला गया, ये एक कॉन्जुगेट एसिड बेस कहलाएंगे, पेयर्स ऑफ ईच अदर, सिमिलरली भाई आ गया, मतलब बेस के बारे में बोलेगा। देखो अ बेस कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन एंड कन्वर्ट्स इनटू कॉन्जुगेट एसिड, दैट इज कॉन्जुगेट एसिड हो गया, तो ये सब क्या कहलाएंगे, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहलाएगा, डन ओके। एक और बेहतरीन एग्जांपल देखो, तड़कता भड़कता एग्जांपल है, देखो बच्चे अमोनिया के बारे में, तो अमोनिया क्या होता है, ये पहले से प्रिडिक्टेड होता है, अमोनिया बेटा होता है ये आपके पास प्योर बेसिक फॉर्म में होता है, किसके फॉर्मेट में होगा, बेस के फॉर्म में होगा, तो इसको क्या लिखोगे बच्चे, बेस लिखोगे, क्या लिखोगे, बेस लिखोगे। अब देखो जब ये बेस हो गया तो पानी किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चे, एसिड की तरह बिहेव करेगा, किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह बिहेव करेगा, डन। तो अब जरा देखो इसमें NH4 प्लस, तो एसिड क्या करता है, देखो एसिड को पकड़ो, एसिड H प्लस को लूज करता है, तो लूज करेगा तो OH माइनस हो गया, तो एसिड का बिरादर कौन आएगा, कॉन्जुगेट बेस आएगा, तो बेस के पास देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, तीन बॉन्ड बनाएगा, एक लोन पेयर के साथ संतुष्ट रहता है नाइट्रोजन, ओके। तो ये एच प्लस वह कहां जाएगा, नाइट्रोजन के पास जाएगा, तो ये बेस हो गया बच्चे, ये क्या हो जाएगा, देखो बेस का उल्टा कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। तो इन दोनों एग्जाम्पल से आई होप कि इसके बारे में आपको पूरी तरह से मीनिंग क्लियर बच्चे हो गया होगा, ठीक है। तो अब देखो मेरे पास इनको कुछ मैं प्रॉब्लम प्रैक्टिस करा देता हूं, ओके। तो यहां तक पहले आप नोट कर लीजिएगा, तो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ओके। अब बच्चे देखो, ये आपके पास एग्जांपल्स है, तो अब इसी में कुछ लगे यहां प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसको बच्चे हटा दो पहले, ठीक है, इसको भी हटा दो पहले। अब देखो, अब मैंने कुछ यहां पर एग्जांपल पेश किया है कि कैसे इनको समझा जाए, कैसे थोड़ा कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको और चीजें आसान हो जाए, क्योंकि इस पे भी तुम्हारे एकेडमिक लेवल पे क्वेश्चन ठीक ठाक बच्चे आ जाते हैं, कोई स्पेसिफिक देगा, पूछेगा कॉन्जुगेट एसिड क्या है, कॉन्जुगेट बेस क्या है। देखो मैंने इसमें एक शॉर्ट ट्रिक बनाया है, शॉर्ट ट्रिक मेरे को ऐसे निकलो, अगर बेटा तुम्हें कॉन्जुगेट एसिड निकालना होगा तो इसमें क्या करोगे, एच प्लस को जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, एच प्लस को जोड़ देना है, जोड़ देंगे। ये व्हाट्सअप वाला अंग्रेजी बच्चे, आप इसको ऐसे स्टेटमेंट लिखो ताकि आपको क्वेश्चन करने से मतलब है, आपको इस पे स्टेटमेंट नहीं आता है। तो अगर कॉन्जुगेट एसिड पूछेगा, कोई भी स्पीसीज दिया गया है, तो फंडा क्या करोगे, H+ को जोड़ देंगे, कॉन्जुगेट बेस निकालना है सिंपली,
क्या निकालना है बच्चे, कॉन्जुगेट बेस निकालना है। तो एच प्लस को क्या करेंगे, एच प्लस को रिमूव कर देंगे, क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, मतलब गायब कर देंगे एच प्लस को। और एग्जाम्पल से प्रैक्टिस करते हैं, देखो बच्चे जैसे दिया गया है HCO3, ये स्पीसीज दिया गया है, ये आपके पास बाइकार्बोनेट दिया गया है, हमें इसमें कॉन्जुगेट एसिड पता करना है और कॉन्जुगेट बेस पता करना है। तो मैंने क्या बोला है कि कॉन्जुगेट एसिड निकालना होगा तो एच प्लस को जोड़ दोगे, तो इसमें क्या कर दोगे, H2CO3 कर दोगे, H2CO3 कर दिया जाएगा, क्योंकि हमने देखो H को जोड़ा, जब H जोड़ोगे H प्लस को तो ये वाला प्लस क्या करेगा, माइनस को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो क्या हो जाएगा H2CO3 हो जाएगा। डन हो गया यहां तक। अब बच्चे देखो ये एसिड है, तो एसिड में स्पेशली क्योंकि देखो ये तुम्हारा जो है कार्बोनिक एसिड है, तो इसको एक एग्जाम्पल दिमाग में सेट कर लोगे तो तुम्हें ये लाइफ में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि कहाँ जोड़ना है कहाँ पर रिमूव करना है। क्योंकि बेटा खुद का मेरा एक्सपीरियंस है कि जब आप पेपर में बैठते हो ना तो ये सब चीज़ें याद नहीं आता है, वहाँ पर ये याद आएगा कि हाँ विनय सर ने स्पेशली जोड़ना और घटाना बताए थे, कहाँ जोड़ना है कहाँ घटाना ये आपको याद नहीं रहता है। तो इसलिए देखो ये HCO3 का जो एसिड होगा वो H2CO3 होता है, तो हमें इसमें H को जोड़ना होगा, तो इससे रूल क्या बना कि कॉन्जुगेट एसिड में H प्लस को जोड़ना होता है। आगे एग्जाम्पल देखो, कॉन्जुगेट बेस है तो H प्लस को क्या करोगे बच्चे, रिमूव कर दोगे, तो रिमूव करोगे तो इसमें से रिमूव करोगे, इसमें से नहीं, जो स्पीसीज होगा उसमें से रिमूव किया जाएगा, तो H को गायब कर दोगे, तो ये निकलेगा यहां से बेटा H, तो पीछे छोड़ेगा माइनस, तो पहले से एक माइनस था और इस पर एक और माइनस आ जाएगा, तो CO3 पे 2 माइनस हो जाएगा। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल देखो, तीन एग्जांपल चार एग्जांपल किया था कि एक नहीं आएगा तो दूसरा नहीं आएगा, तीसरा तो आएगा ना, चौथा तो आएगा ना, पांचवा तो आएगा ना, छठवां तो आएगा कम से कम, ऐसे से को। अब देखो तो HPO4 2 माइनस बच्चे, तो कॉन्जुगेट एसिड है, क्या करोगे इसमें जोड़ दोगे, एक H को जोड़ोगे तो एक माइनस को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो क्या हो जाएगा बच्चे H2PO4 पे 1 माइनस हो जाएगा। डन। अब इसमें से H को गायब कर दोगे तो कॉन्जुगेट बेस क्या आ जाएगा, PO4 पे 3 माइनस बेटा आ जाएगा, क्योंकि तो एक H निकल गया तो एक माइनस और एक्स्ट्रा आ जाएगा। NH3 देखो ये अच्छा एग्जांपल दिख रहा है, तो कॉन्जुगेट एसिड निकालना है तो क्या कर दोगे बच्चे, NH4 प्लस हो जाएगा, एक इसी में जोड़ दो, सीधा सा पंडा H प्लस को जोड़ देंगे तो कॉन्जुगेट एसिड हो गया, H प्लस को गायब कर देंगे, एकदम रटते रहो, H को जोड़ना मतलब कॉन्जुगेट एसिड है, H को निकालना मतलब कॉन्जुगेट बेस है, इसमें से क्या करोगे कॉन्जुगेट बेस निकालना है, H को गायब कर दोगे, H को गायब करोगे तो NH2 माइनस हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब बच्चे देखो HS-1 है, इसमें जोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगा H2S हो जाएगा, और पानी नहीं पहले इसको और निपटा दो, तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चे, एक को गायब कर दोगे, H को गायब कर दोगे तो H2 माइनस हो गया, इस पानी को देख लो अच्छा एग्जांपल दिख रहा है, इसमें से बेटा क्या कर दोगे जोड़ दोगे तो ये H3O प्लस हो जाएगा, और इसमें से क्या करोगे एक गायब कर दोगे तो ये OH माइनस हो जाएगा। तो बेटा इतना आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको ढेर सारा इसमें कराता हूँ। लुईस एसिड बच्चे, जैसे कि इसमें देखो लुईस एसिड है एंड लुईस बेस है, तो ये जो तुम्हारा कंटेंट है इसमें हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, इसको आप मेंशन कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, और इसी को मेंशन कर सकते हैं लुईस एसिड बेस थ्योरी, लुईस एसिड बेस थ्योरी सीख सकते हैं। देखो हम लोगों ने अभी तक RMS को सीख लिया, ऐसे हम लोगों ने लॉरी ब्रॉन्सन को सीख करके कुछ एग्जाम्पल को प्रैक्टिस कर लिया। ओके, तो अब आप स्पेशली ये जो लेटेस्ट थ्योरी है तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम ये प्रिडिक्ट करेंगे कि कौन एसिड होगा और कौन बेस होगा। कैसे पहचानोगे कि एसिड है और बेस है, इसी थ्योरी के बेसिस पर बच्चे क्या है ना कि अमोनिया को जस्टिफाई किया गया, अमोनिया को क्या जस्टिफाई किया गया कि अमोनिया में एच दिखने के बावजूद, यानी आर्मियस ये कहता था जहां एच दिखेगा तो उसको एसिड कहा जाएगा, बट अमोनिया में एच दिख रहा है तो वाया प्रैक्टिकली अमोनिया को ये देखा गया कि एक अच्छा बेस की तरह ट्रीट किया जाता है, एक अच्छा ये बेस एग्जिस्ट करता है वाया एक्सपेरिमेंटली। तो ऐसी थ्योरी जो उसको जस्टिफाई कर सके कि अमोनिया एक अच्छा बेस है, तो बच्चे यही वो थ्योरी है जो अमोनिया को जस्टिफाई करता है कि अमोनिया एक अच्छा बेस है। देखो तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक एसिड बेस थ्योरी, इसको सिंपली लुईस एसिड बेस थ्योरी भी बोला जाता है।
और ये कॉन्सेप्ट काफी समझो महा इंपॉर्टेंट बोला जाए तो कोई बुरी बात इसमें नहीं है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक में भी काफी हद तक काम आता है बच्चे। तो ऑर्गेनिक का या केमिस्ट्री का कह सकते हैं ये एक हमारे पास पिलर टॉपिक माना जाता है। क्या माना जाता है? पिलर माना जाता है, क्योंकि इस पर ढेर सारे कॉन्सेप्ट हमारे आगे भी केमिस्ट्री में टिके हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या मैंने लाइन मेंशन किया है, काफी चीजों को मैंने पॉइंट कीवर्ड लिखा है और मैं बोलता जाऊंगा तो आप उसमें लैंग्वेज को ऐड करते जाइएगा। बच्चे क्या हो गया, लोन पेयर, पूरा खेल इसमें इलेक्ट्रॉन का है समझो। लोन पेयर एक्सेप्टर, जो लोन पेयर को अपने और एक्सेप्ट कर लेगा उसको लुइस एसिड कहते हैं। अब देखो लोन पेयर को कौन एक्सेप्ट करेगा, तो बच्चे जो गरीब लोग, मैंने इसी को सिंपली शॉर्ट में निपटाऊंगा। देखो लुइस एसिड बच्चे, ओके, जो गरीब लोग होते हैं, तो गरीब लोग को स्पेशली क्या चाहिए? पैसा चाहिए, ठीक है। गरीब लोग जैसे बच्चे हैं उनको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो पैसे को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं, या जो पैसे के लालची लोग होते हैं वो क्या करेंगे, पैसे को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं। और समझो बेटा इसमें क्या हो गया, देखो जितने भी तुम्हारे प्लस वाले हैं, तो प्लस वाले को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। प्लस वाले को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ऐसे वाले को क्या बोलोगे? लुइस एसिड। लुइस एसिड जो प्लस वाले होंगे, जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जहां पर इलेक्ट्रॉन की भूख होगी, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर एक्सेप्ट करेगा, तो बेटा क्या कहेंगे? लुइस एसिड कहा जाएगा। डन हो गया। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरा इसे स्टेटमेंट लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल विच हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ये भी आप इसमें लाइन मेंशन कर सकते हो। ओके बच्चे देखो जैसे BCl2 है, तो BCl2 को अगर आप नोटिस करोगे तो बेरिलियम हो गया, ये क्लोरीन हो जाएगा और ये क्लोरीन हो जाएगा। तो बेरिलियम के पास अगर देखोगे सेंट्रल में तो चार ही इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्टेट इसका इनकम्प्लीट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, सच एज नोन एज लुइस एसिड कहलाएगा। लुइस एसिड का बच्चे दूसरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्या होता है इसे? इलेक्ट्रोफाइल होता है। ओके एग्जांपल और जरा समझो जैसे BF3 देखो, तो BF3 के भी बैलेंस बेटा अगर नोटिस करोगे तो सिंपली कितने हैं इसमें? 6 इलेक्ट्रॉन है। और AlCl3 भी ऐसे है, तो वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन आए, यानी इसके सेंट्रल में कितने आए जी? 6 इलेक्ट्रॉन होल्ड किया इसने, तो 6 इलेक्ट्रॉन होल्ड किया तो इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, लुइस एसिड कहा जाएगा। और देखो AlCl3 हो गया, कैटायन में H+ है, Ag+ है, Cu+ है, तो प्लस वाले को इलेक्ट्रोफाइल एज ब्ल एज लुइस एसिड बोला जाएगा। अब देखो मल्टीपल बॉन्ड वाले भी जो शो करते हैं, ये भी आपको लुइस एसिड एज ब्ल एज या फिर इलेक्ट्रोफाइल बोला जाएगा। तो ये वाले जो कंटेंट है आपको ऑर्गेनिक में ठीक ठाक काम आएगा। अभी स्पेशली मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे सी डबल बॉन्ड O है बेटा, क्या है? सी डबल बॉन्ड O है, तो यहाँ पर क्या ना, जब ये बॉन्ड शिफ्ट होगा तो इस पर माइनस आता है, पीछे प्लस छोड़ता है। अब प्लस आ जाने से कार्बन पर क्या शो करेगा? प्लस कार्बन पे आ जाने से क्या शो करेगा? लुइस एसिड एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल बोला जाएगा। ओके ये क्लियर हो गया। मल्टीपल बॉन्ड भी शो करते हैं आपके लुइस एसिड, शो करते हैं, सारे नहीं शो करते हैं, कुछ रूल है जो आपको ऑर्गेनिक और अच्छा क्लियर होगा। नेक्स्ट बेटा देखो ये सब क्या ना कि आपसे ऑप्शन में पूछ देगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लुइस एसिड, या आइडेंटिफाई एग्जांपल ऑफ लुइस एसिड और क्लासिफाई एग्जांपल ऑफ लुइस एसिड। ओके बेटा इसमें देखो SiF4 भी लुइस एसिड होता है, इसको कैसे जस्टिफाई करोगे? क्योंकि सिलिकॉन का वैकेंट डी ऑर्बिटल खाली है, अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन को ये होल्ड कर सकता है, इसी वजह से ये क्या शो करेगा? लुइस एसिड शो करेगा। तो लुइस एसिड का बच्चे दूसरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है। देखो फाइल मतलब क्या होता है ना कि ये लव होता है, लाइक होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन को लव करते हैं ऐसे वाले को इलेक्ट्रोफाइल बोला जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज इज नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। तो बेटा इसी का मैं शॉर्ट ट्रिक बनाया हूं, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब जो गरीब लोग होते हैं, और गरीब लोग कहां होते बच्चे? झोपड़ पट्टी में होते हैं। तो आप ऐसे भी इसको शॉर्ट ट्रिक में याद कर सकते हो, जो गरीब लोग होते हैं उनको केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोफाइल कहा जाएगा, और जो पैसे वाले लोग होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन रिच कहा जाएगा, तो अमीर लोग बच्चे अपनी केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल का दूसरा नाम होता है लुइस बेस होता है, ठीक है। अब देखो इसमें केमिस्ट्री का डेफिनेशन लिख सकते हो, तो केमिस्ट्री को थोड़ा फनी बनाओ, थोड़ा सा अपने अंदाज में इसको सीखने का प्रयास करो, दैनिक जीवन से एग्जाम्पल को रिलेट करने का प्रयास करोगे तो केमिस्ट्री बहुत बेहतरीन हो जाएगी आपकी। बच्चे इसमें क्या हो गया, लोन पेयर को जो एक्सेप्ट करेगा, लोन पेयर को स्पेशली नहीं, लोन पेयर डोनर को बोला जाता है।
अब जब पैसे वाले लोग होंगे, जो पैसे वाले लोग होंगे क्या करेंगे, पैसे को उड़ाएंगे, पैसे को क्या करेंगे बेटा, खर्च करेंगे। जैसे आपके पास भी क्या है ना कि पैसे आ जाते, 1500 आ गए तो दे दना दना आप खर्च करोगे, अंधाधुन खर्च करोगे। वही तो मैंने बोला है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर, जो लोन पेयर जिसके पास होगा, जैसे पानी है दो लोन पेयर है, अमोनिया है एक लोन पेयर है, दारू मतलब ROH हो गया इसके पास भी लोन पेयर है। बेटा ये सब क्या थे, न्यूट्रल वाले आपके न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज लुइस बेस थे, और जो माइनस वाले होंगे, माइनस का मतलब ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये सभी क्या शो करते हैं, ये सब बच्चे आपके लुइस बेस शो करेंगे। आई होप कि इतने आपको लेक्चर क्लियर हो गए होंगे। तो फिर से मैं एक बार रिकैप करा देता हूं, तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब बच्चे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो न्यूक्लियोफाइल का दूसरा नाम जो अमीर लोग होते हैं, और इलेक्ट्रोफाइल का दूसरा नाम जो गरीब लोग होते हैं। ओके, तो अब इतना अगर समझ में आ गया है तो बच्चे ये सब बेसिक हो जाने के बाद से अब आपका नेक्स्ट कंटेंट आता है आयनाइजेशन एसिड बेस थ्योरी। तो अब आयनिक इक्विलिब्रियम का यहां से टॉपिक आपको मेजर टॉपिक बच्चे देखने को मिलेगा। ओके, तो जरा देखो इसको क्या क्या इसमें हमें सीखने को मिलेगा, ये टॉपिक थोड़ा सा अच्छे से सीखिएगा। मैंने इसमें एग्जाम्पल को मेंशन किया है, आयनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। ओके, अब देखो अच्छे से इसको बेटा, इसमें क्या क्या आपको थोड़ा मैं डेरिवेशन करके अपने साथ दिखा देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसमें डेरिवेशन को लिख सकता था, लेकिन क्या है कि थोड़ा मैं ये चाहता था कि आप मेरे साथ इसको अच्छे से वीडियो को पॉज करके सीखिए। देखो तो इसमें मैंने ये जो कर लिया, मैंने आपके साथ ये टूटेगा एच प्लस हो गया। मैंने आपको बोला था शुरुआत में ही कि आयनिक इक्विलिब्रियम टोटली वीक वाले पे डिपेंड्स करता है। तो बच्चे अब देखो, अब मान लेते हैं सपोज ये टाइम टी इक्वल टू जीरो है, टाइम टी इक्वल टू जीरो है, तो हम कॉन्सेंट्रेशन को मान लेते हैं सी, क्योंकि यहीं से आपको मैं सिखाऊंगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम में छोड़ दिया था, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको फील यहीं से अच्छा आएगा। ओके, अब जरा देखो, तो टाइम टी इक्वल टू जीरो है, तो बेटा उस टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सी मान लिया, तो प्रोडक्ट उस समय क्या बनेगा, 0.0 बनेगा। तो जितने आपके प्रोडक्ट वाले स्पीसीज होंगे उतने उतने जीरो बनेंगे। अब ये तुम्हारा इनिशियल माना गया मोल है, समझो इनिशियल माना गया मोल है बच्चे। अब देखो टाइम टी इक्वल टू, ध्यान से समझना क्योंकि ये टॉपिक स्लाइटली थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, तो थोड़ा पेशेंस बनाए रखना, वीडियो को बार बार पॉज करके देखना, भगा के देखना इसको, तो थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी बच्चों को यही फेस करने को मिलता है। तो टाइम टी इक्वल टू टी आ जाएगा, तो हम मान लेते हैं कि अल्फा इसमें बच्चे क्या कर रहा है ना, डिसोसिएशन है। डिसोसिएशन का मतलब क्या है ना, टूटने का रेट, यानी कितना रेट से वो डिसोसिएट हो गया, उसकी भी कुछ अपनी लिमिट होगी, कुछ ना कुछ वैल्यूज होंगे जो कि न्यूमेरिकल में काम आते हैं। तो पहले समझो अच्छे से, न्यूमेरिकल का टाइम बाद में देखेंगे। तो अब देखो इसमें अल्फा बच्चे टूट रहा है, क्या हो रहा है जी, अल्फा टूट रहा है, तो कितने में से टूटा, सी में से, तो क्या हो जाएगा, सी अल्फा। अब बेटा देखो रिएक्टेंट क्या होता है ना, टाइम के साथ गायब हो जाता है, क्या होता है रिएक्टेंट, टाइम के साथ डिसअपियर होता है, क्योंकि जब रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा और रिएक्टेंट का डिसअपियरेंस होगा, सिंपल सा फंडा है। तो देखो इसमें से कितना हो गया, सी अल्फा, यानी कि इसमें डिसअपियर हो गया। अब बताओ जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, मालूम चला कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया, तो रिएक्टेंट पूरी तरह से खत्म हो गया, अब कितने में से खत्म हो गया, सी में से खत्म हुआ ना, तो बच्चे क्या लिखोगे, सी में से सी अल्फा डिसअपियर हो गया, गायब हो गया। अच्छे सुनना, देखो अगर यहां पर मालूम चला कि 2 mole per liter कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो 2 alpha गायब होगा, कितने में से, 2 में से गायब होगा, तो हमने सी लिया है, तो सी अल्फा सी में से डिसअपियर हो गया बच्चे। ओके, तो अब देखो प्रोडक्ट यहाँ कितना बनेगा, सी अल्फा बनेगा, और बच्चे यहाँ पर सी अल्फा बनेगा, तो देखो सी अल्फा यहाँ डिसअपियर होता है और सी अल्फा यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा। तो सिंपल फंडा है कि देखो जितना यहाँ पर डिसअपियर होगा उतना यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, जितना यहाँ पर डिसअपियर होगा उतना यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट का टेक प्लेस होगा। अगर ये इतनी कहानी समझ गए तो अब समझो केमिस्ट्री आप समझ गए, जरा देखते हैं। तो जैसे देखो हम लोगों ने के लिखते हैं बेटा, यहाँ पर इसका क्या लिखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिखा जाएगा, के स्टैंड्स करता है इक्विलिब्रियम को, तो उसमें के से लिखते थे केमिकल वाले में, क्योंकि वहां पे कॉन्सेंट्रेशन का हम लोग जिक्र करते हैं। अब बच्चे ये प्योर एसिड था तो क्या लिखोगे, के लिखोगे, इसका लैंग्वेज क्या आएगा, एसिड डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट आएगा। तो देखो के कैसे लिखा जाता है, यानी प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, और बच्चे कॉन्सेंट्रेशन को बिग ब्रैकेट से दिखाते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया, और क्या हो जाएगा, एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, नीचे क्या लिखोगे, सी एस थ्री,
सी ओ ओ एच लिखोगे, यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया, डन। अब बच्चे सबकी वैल्यू पुट कर दोगे तो इसकी वैल्यू देखो दिया गया है सी अल्फा, और इसकी वैल्यू भी एच प्लस की भी वैल्यू दिया गया है सी अल्फा दिया गया है, और एसिटिक एसिड की वैल्यू दिया गया है, देखो सी इसमें कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा वन माइनस अल्फा हो जाएगा, सी मैंने इसमें से कॉमन ले लिया तो वन माइनस अल्फा बच जाएगा। देखो एक सी से सी कट जाएगा बच्चे, एक सी से सी क्या कट जाएगा, कट गया तो क्या इधर बचा सी अल्फा स्क्वायर और ये वन माइनस अल्फा हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। तो रिलेशन मिला देखो के इज इक्वल टू के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर वन माइनस अल्फा मिल गया। अब देखो हम यहां से कुछ एज्यूम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि फॉर देखो ये सब क्या है ना वीक एसिड है समझो, या इसी को कह सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ओके तो बेटा इसमें क्या कर सकते हो वन माइनस अल्फा टेंडिंग टू वन, इसको फील कराता हूं देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैंने लिखवाया था अल्फा जो होता है एक से बहुत कम होता है, एक से क्या होता है बहुत कम होता है, ऐसे समझो कि अब आप एक में से 0.0001 ऐसे माइनस कर रहे हो तो वन पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे आप 1,00,000 में से 0.001 माइनस करने के बराबर है, ऐसे आप फील करो। एक और मैं आपको देसी एग्जांपल देता हूं, जैसे बच्चे आप समुंदर से एक लोटा पानी निकाल दो तो क्या समुंदर की गहराई में फर्क पड़ेगा, कभी नहीं पड़ेगा। तो ठीक वैसे ही होता है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा होता है ना ये धीरे 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 टूटता है, इसीलिए अल्फा जो होता है यहां पर मच लेस देन वन के इक्विवेलेंट होता है, इसीलिए यहां पर मैं इस डिनोमिनेटर को वन माइनस अल्फा को एक के इक्विवेलेंट लिख सकता हूं। तो सिंपली अगर एक के इक्विवेलेंट लिखे तो यहां पर क्या आएगा के इज इक्वल बचेगा सी अल्फा स्क्वायर बचेगा, दिस इज द रिलेशन। अब देखो बच्चे यहां पर अल्फा निकालोगे तो अंडर रूट क्या दिखेगा के बाई सी दिखेगा, क्या दिखेगा बच्चे के बाई सी दिखेगा। अब देखो यहां पर एक बेहतरीन रिलेशन तुम्हें दिखने लगा, तो अल्फा और के टर्म्स में ये एक रिलेशन बन गया। ओके देखो अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई सी आ गया। तो बच्चे इसी को हम लोग बोलते हैं आगे चल करके ओस्ट वाल्ड, ओस्ट वाल्ड डाइल्यूशन लॉ बोला जाता है, इसी रूल को आप क्या बोल सकते हो ओस्ट वाल्ड डाइल्यूशन लॉ। देखो मैं इसको अलग से भी पढ़ा सकता था लेकिन मेरा पर्पज था कि इसी को वन शॉट में आप अच्छे से सीखे। तो ओस्ट वाल्ड डाइल्यूशन लॉ बच्चे इसी नियम को देखो ओस्ट वाल्ड डाइल्यूशन लॉ भी कहा जाता है। तो ओस्ट वाल्ड डाइल्यूशन का लॉ ये कहता है फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फा इज स्क्वायर रूट ऑफ इट्स कॉन्सेंट्रेशन, यानी अल्फा जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसी को बोलते हैं ओस्ट वाल्ड डाइल्यूशन लॉ बोला जाता है। तो वीडियो को पॉज करके आप इस स्टेटमेंट को नोट डाउन कर लेना बच्चे। तो देखो आयनाइजेशन आ गया एसिड के लिए, यानी आयंस में टूटना आयनाइजेशन कहलाता है। ओके अब जरा देखो तो बेटा के इज इक्वल टू क्या आ गया सी अल्फा स्क्वायर, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई सी आ गया। तो ऐसे ही देखो आप क्या है ना बेस के लिए भी बच्चे निकाल सकते हो। तो बेस का देखो मैं एग्जांपल यहां लिख देता हूं NH4OH हो गया, जब इसको तोड़ोगे तो बेटा ये टूटेगा NH4 प्लस में और ये टूटेगा OH माइनस में टूटेगा। तो आप इसका जब निकालोगे तो देखो बच्चे सब कुछ वही आएगा, इधर आपके पास सी आएगा तो 0,0 बनेगा, ये सी माइनस सी अल्फा आएगा तो इधर सी अल्फा बनेगा। तो सिंपली तो यहां पर चेंजेज आएगा, इसको के भी लिखोगे क्योंकि बेस के लिए सिंबल के बी और एसिड के लिए सिंबल के लिखते बेटा, ठीक है। तो के बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर सी अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, अल्फा निकालोगे तो अंडर रूट के बी बाई बच्चे सी आ गया। तो देखो अगर क्वेश्चन में एसिड बोलेगा तो फॉर्मूला ये यूज करोगे, अगर बेस बोलेगा तो फॉर्मूला ये यूज करोगे, बस दोनों में क्या ना ए और बी का अंतर है। फॉर एसिड है तो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन के होगा, फॉर बेस है तो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन बेटा के बी होगा। तो पहले आप इतना यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद बच्चे सीखेंगे ऐसे ही आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर सीखेंगे, फिर पीएस के बारे में सीखेंगे। तो पहले आप इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, क्योंकि मेरा अब आयनाइजेशन के बाद एसिड हो गया बेस हो गया, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर
एंड इसी को बच्चे कहते हैं ऑटो प्रोटोलाइसिस ऑफ एस2ओ बोलते हैं। ऑटो प्रोटोलाइसिस ऑफ ऑटो मतलब सिंपली कि ये सिर्फ पानी बच्चे पानी में ही टूट गया। ओके, ऑटो प्रोटोलाइसिस ऑफ वाटर का मतलब पानी को पानी में ही डिसोसिएट करा दिया गया। ओके बच्चे, इसमें देखो सिंपली H2O को हमने H2O में डिजॉल्व करा दिया है। ये किस में टूटेगा? H3O प्लस में टूटेगा और OH माइनस में टूटेगा। यानी एक पानी H प्लस देगा तो दूसरा पानी क्या करेगा? उसको एक्सेप्ट करेगा। तो जिसने एक्सेप्ट किया H3O प्लस हो गया, जिसने लूज किया OH माइनस हो गया। तो जो इसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं वो KW से इंडिकेट करेंगे। K स्टैंड्स फॉर इक्विलिब्रियम एंड W स्टैंड्स फॉर वाटर। तो इसको देखो बोला जाता है वाटर आयनाइजेशन कांस्टेंट, मैंने यहां पर मेंशन कर भी दिया बच्चे। ओके, अब बच्चे देखो स्पेशली इसमें क्या है कि जब इसका KW लिखोगे तो पहले प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं। ये हम लोगों ने अपने इक्विलिब्रियम के चैप्टर में सीखा है, केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर में, कि चाहे किसी का भी K लिखोगे तो पहले प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन को बेटा ब्रैकेट से इंडिकेट करते हैं। देखो प्रोडक्ट में क्या है, H3O प्लस है और OH माइनस है, तो H3O प्लस हो गया, OH माइनस हो गया। बेटा H3O प्लस को आप बाद में रिप्लेस कर दोगे H प्लस से इंडिकेट कर दोगे, क्योंकि जो ये एक्टिविटी H3O प्लस काम करता है वही काम H प्लस का भी होता है। या दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि H3O प्लस कैन रिटेन एच H प्लस, यानी H3O प्लस को आप H प्लस की तरह भांति भी लिखा जा सकता है, लिखते हैं समझो। अब देखो तो बच्चे मेन इक्वेशन क्या बन जाएगा, KW इक्वल टू H प्लस हो गया और OH माइनस हो गया। KW को क्या बोलते हैं, वाटर आयनाइजेशन कांस्टेंट बोला जाता है। अब जरा देखो इसमें कुछ मैंने कंडीशन अप्लाई कर दिया है। इन अ प्योर वाटर, अगर बच्चे हमारा वाटर प्योर होगा और टेम्परेचर 298 केल्विन दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस, ओके, तो इस केस में जो KW की वैल्यू निकल के आती है 10^-40 निकल के आती है। तो आपको इस वैल्यू को दिमाग में रखना है क्योंकि इसी से आगे हमारा पीएच डिजाइन होता है। तो बेटा अगर 10^-14 होगा तो उन दोनों ही केस में जो कॉन्सेंट्रेशन एच प्लस होगा और OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन, यानी एसिड का एच प्लस और बेस का OH माइनस, इन दोनों की वैल्यू आपस में आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। अगर 10^-14 है तो H प्लस भी आधा, क्योंकि ये दोनों 50-50% डिसोसिएट हो जाते हैं, तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगा, 10^-7 हो जाएगा बच्चे। ओके अब देखो KW चेंजेज विद टेम्परेचर, यानी KW सिर्फ डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। इफ वी चेंज इन टेम्परेचर KW ऑल्सो वी चेंज। ओके, तो KW सिर्फ डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, वैसे इक्विलिब्रियम डिपेंड्स टेम्परेचर पे ही करता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, मैंने अपने पुराने भी लेक्चर में इसको मेंशन कर दिया है बच्चे। तो अब देखो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं पीएच के बारे में। ओके, जब पीएच पढ़ लेंगे तो मैं तुमको इसमें एक डेरिवेशन भी कराऊंगा कि पीएच प्लस पीओएच का सम 14 कैसे आता बच्चे। अब जरा देखो, तो पीएच भी हम पहले से फेमिलियर होते हैं कि पीएच हम एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए एक पैरामीटर यूज किया जाता है बच्चे ठीक है यहां तक? पीएच क्या होता है, एक मेथड है, टेक्निक्स है, डिवाइस कह सकते हो, जिसे हम एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर वो पैमाना है समझो, उसमें हम कैटेगरी करते हैं, पीएच वैल्यूज होती हैं, अगर पीएच 7 से कम होता है तो एसिडिक होता है, पीएच 7 से ज्यादा होता है तो बेटा क्या होता है, बेस शो करता है, अगर पीएच 7 के इक्विवेलेंट है तो न्यूट्रल शो करता है। ये हम सभी अपने लोअर क्लास में पढ़ के आते हैं। ओके, अब देखो पीएच को सबसे पहले प्रपोज किया था सोरेनसन, एक साइंटिस्ट था, 1909 थ्योरी में ये चीजें मेंशन किया गया था। पीएच से हम मेंशन क्या करते हैं, पीएच बेटा अगर लेस देन 7 है तो ये एसिड को इंडिकेट करेगा, अगर पीएच ग्रेटर देन 7 है तो ये हम बेस से एडिट मतलब बेस की ओर जाएगा, अगर बेटा पीएच 7 है तो दिस इज द न्यूट्रल, ये न्यूट्रल की तरह ट्रीट किया जाएगा। अब देखो जो पीएच का मेन फॉर्मूला होता है, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच का जो फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हम हाइड्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन को यानी उसमें कितना स्ट्रेंथ है ये पता कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू आएगी, तो पीएच पैमाने से ये चेक कर सकते हैं वो एसिड है कि बेस है कि न्यूट्रल है बच्चे। तो पीएच का देखो सिंपलेस्ट जो फॉर्मूला आता है, क्योंकि इस पर भी ठीक ठाक न्यूमेरिकल बेटा प्रश्न बन जाता है। ओके, जरा देखो यहाँ पर बच्चे पीएच का जो फॉर्मूला होता है माइनस का लॉग एच प्लस होता है। तो देखो यहाँ पीएच का डिफाइन कैसे करोगे, यानी पीएच इज डिफाइंड एज निगेट इट एक्सप्रेस्ड या इट एक्सप्रेस्ड
नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन, यानी एच प्लस के कॉन्सेंट्रेशन को निगेटिव लॉगरिथम में एक्सप्रेस करना ही पीएच कहलाता है। तो वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से नोट डाउन भी कर लीजिएगा। डिफाइन पीएच, तो पीएच इज डिफाइंड एज या एक्सप्रेस्ड एज निगेटिव लॉगरिथम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन, यानी एच प्लस आयन के नेगेटिव लॉगरिथम में एक्सप्रेस करना ही पीएच कहलाता है। ओके, सिमिलरली देखो पीओएच निकालोगे तो जहां पर पी आ जाएगा लॉग के पहले क्या आ जाएगा, माइनस, और ये फला व्यक्ति कहां चला जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन को शो करता है, बिग ब्रैकेट से शो करता है कॉन्सेंट्रेशन को। डन। अब देखो इंटरेस्टिंग पार्ट, ये पीके है, पीके बी है। अब ये पीके पीके बी की कौन सी वाला आ गई, क्योंकि ये सारे बच्चे कॉन्सेप्ट जो है क्लास ट्वेल्थ में काम आएंगे। कहां काम आएंगे, क्लास ट्वेल्थ में काम आएंगे। तो पहले क्लास ट्वेल्थ से जाने से पहले आप इलेवंथ तो अच्छे से निपट लो। बेटा तो पी के देखो तो माइनस का लॉग के आएगा, देखो पी लग गया तो माइनस लॉग आ जाएगा, के कहां चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। तो इसको देखो हम कॉन्सेंट्रेशन से इंडिकेट नहीं करेंगे, क्योंकि के क्या होता है, एसिड डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट्स होता है। बेटा इसमें के अगर ज्यादा तो एसिड क्या होगा, अच्छा होगा, क्योंकि के ज्यादा तो एसिड क्या होगा, अच्छा होगा। पी के भी क्या हो जाएगा, पी के ए, सॉरी बेटा, तो पी के ए क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा, क्योंकि के में मान लो बेटा वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो पी के में क्या आएगा, माइनस हो करेगा। डन। तो ये सब तुम्हारे क्लास समझो कि ट्वेल्थ क्लास में एसिड और बेस का ऑर्डर प्रिडिक्ट करने में ये काफी पॉपुलर कंटेंट होता है। आजकल के डेट में क्वेश्चन पी के का ऑर्डर पूछता है, बच्चे पी के का ऑर्डर पूछता है। तो पी के जो ऑर्डर आएगा एसिड के इनवर्सली आता है। तो कभी कभी आप बुक्स पढ़ोगे ना तो ऐसे सब चीजें मेंशन करता है, लेकिन आपको पल्ले नहीं पड़ता है समझो कि सब कहां से आ गया। समझो बेटा यहां तक समझ में आ गया, ओके। तो सिमिलरली क्या है, पीके भी है, माइनस लॉग के भी आएगा। पीके डब्ल्यू कितना आएगा, माइनस का लॉग के डब्ल्यू आएगा। एट 298 केल्विन पे हम लोगों ने वहां से देख ही लिया है, तो के डब्ल्यू इक्वल टू 10 की पावर माइनस 14 आता है। पीके डब्ल्यू बेटा कितना आता है, 14 आता है। देखो जो तुम्हारा ये मेन इक्वेशन मैंने यहाँ पर मेंशन किया था, इसमें क्या करोगे, इस मेन इक्वेशन वन को बच्चे क्या ना, आप लॉग ले लोगे, क्या ले लोगे, लॉग ले लोगे। तो बेटा इसमें क्या हो जाएगा, सिंपली लॉग के डब्ल्यू हो जाएगा, ओके। और बेटा ये क्या हो जाएगा, लॉग एच प्लस हो जाएगा। देखो यहां पर प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट में लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहता है, दोनों चीजें प्लस हो जाएंगी, दोनों चीजें क्या हो जाएंगी बच्चे, प्लस हो जाएगा। तो मैं शॉर्ट रिविजन करा रहा हूँ, तो डिटेल में इसको मैं मतलब कि ज्यादा इन्फॉर्मेशन अभी नहीं देना चाहता हूँ, ताकि मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लॉग ओ एच माइनस हो जाएगा। अब सब में बच्चे क्या कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो माइनस का लॉग क्या हो जाएगा, के डब्ल्यू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस का लॉग एच प्लस, और ये आपके साथ बच्चे क्या है, प्लस है, और माइनस इसके साथ ऐसे लिखो, माइनस का लॉग ओ एच माइनस है। अब देखो जरा कंपेयर कर लो बच्चे, ये कॉन्सेंट्रेशन के साथ है, तो इनको बिग ब्रैकेट में दिखाएं। देखो तो इसको क्या लिख सकते हो, लॉग के डब्ल्यू बच्चे, तो स्पेशली आ जाएगा माइनस का लॉग के डब्ल्यू, दिस इज द पी के डब्ल्यू आ गया, क्या आ गया बच्चे, पी के डब्ल्यू, और ये क्या आ जाएगा, पी एच आ जाएगा, और इसको क्या लिखोगे, पी ओ एच लिखोगे। पी के डब्ल्यू की बेटा वैल्यू कितना दिया गया है, के डब्ल्यू की वैल्यू 10 की पावर माइनस 14, तो पी के डब्ल्यू स्पेशली मतलब सिंपली लॉग लोगे, लॉग लोगे तो माइनस 14 माइनस 14 क्या हो जाएगा, मतलब माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो सिर्फ 14 आ जाएगा। तो पी एच प्लस पी ओ एच कितना आ गया बच्चे, दैट इज 14 के इक्विवेलेंट आ गया। देखो तुम्हारे पास एक ये खूबसूरत सा रिलेशन आ गया कि पी एच प्लस पी ओ एच का सम कितना होता है बच्चे, 14 होता है। तो न्यूमेरिकल में आप क्या करोगे, किसी क्वेश्चन में तुमसे पी ओ एच पूछ देगा तो आप इस फॉर्मूले को यूज नहीं करोगे, डायरेक्ट पी एच निकाल के पी ओ एच से माइनस कर दोगे, तो बेटा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास 14 आ जाएगा, ओके। अब बेटा सिंपली क्या ना, एक देखो रिलेशन आता है, रिलेशन बिटवीन के है एंड के बी है, तो के एंड के बी में जो रिलेशन आता है, ये कुछ डेरिवेशन मैंने यहाँ पर आपके लिए छोड़ दिया है। आप इनका अगर के लिखोगे तो बेटा आएगा एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आएगा, ए माइनस का कॉन्सेंट्रेशन आएगा, डिवाइड बाई एच आएगा। सिमिलरली आप के बी लिखोगे तो आपके पास ये आएगा, और आपके पास सिंपली आएगा। ओवरऑल आप इन दोनों को सॉल्व करके देखोगे तो फाइनल रिलेशन आपके पास के इंटू के बी इक्वल टू के डब्ल्यू आता है। तो डायरेक्ट आप ये डेरिवेशन करके देखिएगा, ये रिलेशन आपको मिल जाएगा। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि डेरिवेशन से आंसर आया कि नहीं आया, क्योंकि मेरा ये वन शॉट रिवीजन है, तो मैं इसको ज्यादा डिटेल नहीं समझाऊंगा।
तो ये न्यूमेरिकल में काम आ जाता है। न्यूमेरिकल में क्या काम आएगा, क्योंकि मालूम चला के डब्ल्यू की बेटा वैल्यू सिंपली फिक्स होता है एट 298 केल्विन पे कितना होता है 10^-14 होता है, और इनमें से के या केवी में से कोई वैल्यू दे देगा तो आपसे कोई दूसरा वैल्यू पूछ सकता है। ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बच्चे देखो, मैं तुम लोगों को कुछ पीएस से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करा देता हूँ, पीएस रिलेटेड मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल करा देता हूँ ताकि आपको और अच्छा फील आ सके कि पीएस पे देखो न्यूमेरिकल कैसे आता है। आओ देखो लगे यहाँ पे यही पे न्यूमेरिकल कर लेते हैं, सिंपलेस्ट कुछ क्वेश्चन जो एकेडमिक लेवल बन सकते हैं। तो बेटा देखो इसमें सिंपली पूछा गया क्वेश्चन टू कैलकुलेट पीएच, ये क्वेश्चन का लैंग्वेज हो गया टू कैलकुलेट पीएच। सब कुछ मेरे पास मान लो कि 10^-2 मोलर HCl है बेटा, इसका हमें पीएच निकालना है। ऐसे क्वेश्चन देखो पूछता है पेपर में। तो बेटा HCl को जब तोड़ोगे तो ये किस में टूटेगा, H+ में टूटेगा और Cl- में टूटेगा। तो जो ये कॉन्सेंट्रेशन है वो पूरा पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, तो 10^-2 H+ भी हो जाएगा और 10^-2 का कॉन्सेंट्रेशन Cl भी हो जाएगा। तो बेटा अब पीएच का जो फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो पीएच का फॉर्मूला क्या आएगा, पीएच का फॉर्मूला बेटा आपके पास क्या लिखे हो, माइनस का लॉग H+ लिखे हो। H+ की वैल्यू क्या दिया गया, 10^-2, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा माइनस का लॉग 10^-2 हो जाएगा। ये 10^-2 में है तो जब इधर आएगा तो बेटा क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, 2 log 10 बचेगा। लॉग 10 की स्टैंडर्ड वैल्यू कितना होता है, सिंपली कितना होता बेटा, 1 होता है। तो बेटा पीएच कितना निकल के आ गया, 2। अगर पीएच 2 आ गया तो क्या शो करेगा, एसिड को शो करेगा। वैसे HCl प्योर एसिड है तो इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो आपका 7 से कम होता है, और ये पीएच जितना 7 से लेस होगा तो ये इंडिकेट करेगा कि वो ज्यादा एसिडिक करेक्टर फॉलो करता है। ओके, तो ऐसे देखो आपके पास क्वेश्चन पूछता है। इसी मैं आपको एक और अच्छा क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि फिर मैं आपको फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा बच्चे। ओके, तो देखो इसके बाद जैसे बच्चा एक और क्वेश्चन कर लो, इसमें एक और क्वेश्चन मैं आपको करा देना चाहता हूँ। आइए देखिए इसमें H2SO4 को लेकर के, ऐसे ही देखो बेस का भी कर सकते हो, NaOH दे देगा। अगर आपके पास NaOH दे देगा तो Na+ हो जाएगा, OH- हो जाएगा, तो जो ये वैल्यू यहाँ पर दिया जाएगा वही वैल्यू आपको ये डिसोसिएट होकर के दिखेगा। तो मैं तुमको एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करा देता हूँ। सपोज बेटा मान लो कि हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसे है, कैलकुलेट पीएच 0.01 मोलैरिटी H2SO4 है बेटा, इसका हमें पीएच निकालना है। तो पहले देखो इसको तोड़ो, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। तो H2SO4 को जब तोड़ोगे बेटा ये टूटेगा स्पेशली ट्वाइस H+ में टूटेगा, और किस में टूटेगा, SO4 2- में टूटेगा। तो देखो इसको लिख सकते हो 10^-2, 0.01 है ना, तो क्या लिख सकते हो, 10^-2 लिख सकते हो। तो अब देखो यहाँ पर ये 1+ के वैल्यू के हिसाब से है और टूटा कितने में है, 2H+ में, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 10^-2 हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा, 2 × 10^-2 हो जाएगा। अब पीएच का जब फॉर्मूला यहाँ रखोगे तो इसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करोगे, अब ये पूरा पूरा H+ के वैल्यू काम करेगा, तो क्या हो जाएगा, 2 × 10^-2 हो जाएगा बेटा। अब ये वैल्यू को सॉल्व कर लेना ताकि मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ ताकि मेरा वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए। फिर इसमें लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो बच्चे ये लॉग 2 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, log 10^-2 हो जाएगा। देखो तो मैं एक स्टेप इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ क्योंकि आपकी मैथमेटिक्स हो सकती है पुअर हो, तो कैसे सिंप्लीफाई करोगे, तो बच्चे ये हो जाएगा, माइनस को पहले बाहर रखो, ये हो जाएगा लॉग 2 और ये हो जाएगा प्लस log 10^-2 बेटा। अब देखो log 2 की वैल्यू बेटा क्या होता है, 0.3010 होता है, तो आपको ये रटना नहीं है, पेपर में आपको सब कुछ चीज़ें दिया जाएगा। मैं टीचर हूँ तो मेरे को ये सब चीज़ें पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया, तो आपको परेशान नहीं होना है ये सब चीज़ें कहाँ से आ गया, ये सब वैल्यू आपको पेपर में दिया जाता है, तो डोंट वरी। ओके, अब देखो log की प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई कर दोगे तो log m^(n) है बच्चे, तो ये -2 पहले आ जाएगा। इन सब का मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन अपने थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर में log की प्रॉपर्टी मेंशन किया है। अगर लॉग की पावर होता है तो पावर बेटा क्या होता है, पहले आ जाता है, और चीज़ें मल्टीप्लाइड में होती हैं तो चीज़ें जुड़ जाती हैं, और वो सिंपली डिवाइड में होती हैं तो माइनस हो जाती है। तो यहाँ बेटा क्या था, मल्टीप्लाइड में था, इस वजह से यहाँ पर प्लस हो गया था। अब बेटा यहाँ पर माइनस को ट्रांसपोज कर दोगे तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 - कितना हो जाएगा, 0.0301 हो जाएगा।
इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, लेट अस से 2.00 जूम कर लो, इसको 0.301 कर लोगे, 10 में से एक जाएगा 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा 9 में से 3 जाएगा 6, तो 1.6699 आएगा। तो ये इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो इसमें मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ, इनको आप नोटिस करो कि अगर ये H2SO4 है या आपके पास और कितने इसमें हाइड्रोजन दिए गए हैं, तो डिसोसिएट करने के बावजूद ही इनका पीएच निकालें। तो ये लेवल वन का क्वेश्चन था, पीएच में और ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं, तो पहले आप मेरा वन शॉट रिवाइज करें, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन बच जाते हैं उनको आप मेरे को कमेंट सेक्शन में सेंड कर सकते हैं। ओके, ऐसे ही अगर आपके पास बेस होगा तो बेस वाले का OH निकालोगे और 14 से माइनस कर दोगे। बेटा आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसके बाद कोई नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, यानी कि अभी तक हम लोगों ने ढेर सारी इसमें इंफॉर्मेशन को सीख लिया, पीएच को सीख लिया, तो इसके बाद का मेरा बेटा नेक्स्ट वन शॉट में आएगा कॉमन आयन इफेक्ट आता है। ओके, फिर इसको हम लोग सीखेंगे, बफर सॉल्यूशन सीखेंगे। ये दो पेपर में कंटेंट काफी आपके इंपॉर्टेंट माने जाते हैं एकेडमिक लेवल बच्चे, कॉमन आयन इफेक्ट है एंड बफर सॉल्यूशन है, इन दोनों के आपके एकेडमिक लेवल पे स्टेटमेंट पूछ लेता है। ओके, तो देखो कॉमन आयन का सिंपली क्या मतलब होता है, एक एक करके इसको समझने का प्रयास करते हैं, थोड़ा धीरे धीरे सीखते हैं क्योंकि ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब बच्चे देखो कॉमन का सिंपली मतलब होता है कि कॉमन, दो चीजों में कॉमन होना सिंपली। ओके, तो कॉमन तो वर्ड समझ गए, लेकिन केमिस्ट्री में इसका क्या मतलब होता है, तो देखो स्पेशली जो मैंने लैंग्वेज लिखा है आओ थोड़ा इसको प्रयास करते हैं समझने का। द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन दैट इज अल्फा, यानी डिसोसिएशन, यानी आयंस जो टूट रहा है उसका आयनाइजेशन समझिए, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन समझिए ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि इंटायर चैप्टर में क्या पढ़ोगे, मैंने बोला था इस इंटायर चैप्टर में सिर्फ वीक के बारे में पढ़ा जाता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो एसिड हो सकता है या फिर बेस हो सकता है, कैन बी फर्दर सप्रेस्ड बाई एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यानी बच्चे सिंपली कहने का मतलब ये कह रहा है कि जैसे देखो कमजोर व्यक्ति होता है, किसी डोमिनेंट व्यक्ति की प्रेजेंस में वो सप्रेस हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है, फीका पड़ जाता है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा है या जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयनाइजेशन है वो कमजोर पड़ जाता है जब उसमें आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला देते हो, तो क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में एक पार्ट कॉमन आ जाता है, उसी बच्चे कॉमन को बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट बोला जाता है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। ओके, देखो आगे और भी चीजें मेंशन किया कि एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग अ कॉमन आयन इन द अक्वस सॉल्यूशन इन वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, एग्जांपल जरा समझो बेटा, एग्जांपल क्या है, एसिटिक एसिड मैंने लिया है जो कि ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होते हैं, जब ये टूटेगा तो CH3CO- में टूटेगा और बच्चे किस में टूटेगा, H+ में टूटेगा, डन। तो अब जरा देखो, तो इसमें आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देखो मिला दिया आपने, तो Na किससे आया है, स्ट्रॉन्ग बेस से आया है, तो जब इसमें तोड़ो देखो, इसमें साइन था रिवर्सिबल का साइन था, ध्यान देते चलना क्योंकि सब चीजें बेसिक होता है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाता है बच्चे, पूरी तरह से टूट जाता है, ये किसमें टूटा, CH3CO- में टूटा, और किसमें टूटा, Na+ में बच्चे टूट गया। तो अब जरा देखो, दिस पार्ट इज कॉमन, यानी ये पार्ट क्या हो गया बच्चे, कॉमन हो गया। अब ये पार्ट कॉमन हो जाएगा तो जो इसमें वीक था समझो, वो अब क्या है ना कि देखो प्रोडक्ट की ओर शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि ये पार्ट कॉमन होने से अब क्या है ना कि वीक इलेक्ट्रोलाइट को रिएक्टेंट की ओर शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसमें CH3CO- क्या हो गया, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया। अब समझो कि जब प्रोडक्ट साइड में कॉन्सेंट्रेशन बच्चे ज्यादा होगा तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा, बैकवर्ड साइड में शिफ्ट होगा, तो इक्विलिब्रियम कॉमन आयन के दौरान कहां शिफ्ट होगा, बैकवर्ड साइड में शिफ्ट होगा। तो अब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिए, तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलिए प्रिंसिपल, जहां कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो उसका अपोज करता है, तो प्रोडक्ट साइड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो रिएक्टेंट कहां शिफ्ट होगा, यानी रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम है वो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट के बच्चे शिफ्ट होगा, डन। इसी को कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। जैसे कि आपकी क्लास में कोई डोमिनेंट बच्चा बैठ जाए तो आपकी क्लास बच्चे क्या हो जाएगी, कमजोर पड़ जाएगी, फीका पड़ जाएगा, सप्रेस हो जाएगा, उसी को बच्चे बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं। इन द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन बी फर्दर सप्रेस्ड इन एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग अ कॉमन आयन इन द अक्वस सॉल्यूशन इन वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिसोसिएशन होता है वो कमजोर हो जाता है, सप्रेस हो जाता है, दब जाता है
किसकी प्रेजेंस में? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में। ओके, यहां तक पूरी तरह से बात समझ में आ गया। आगे चलते बच्चे, देखो एक और इसमें एग्जाम्पल नोट कर लो, ताकि मैं चाहता हूं कि थोड़ा एग्जाम्पल से आपको ज्यादा फील आए ना। HCO- है, ये फॉर्मिक एसिड बेटा है, इसको तोड़ोगे तो HCO- हो गया, और ये किस में टूटेगा? H+ में टूटेगा। इसका स्ट्रॉन्ग बनाओगे तो यहां Na ले लोगे, ये टूटेगा HCO- में और ये Na+ में। मतलब एग्जाम्पल से क्या है ना कि काफी ज्यादा आपको क्लियरिटी हो जाएगा। ये देखो कॉमन आ गया, तो कॉमन आ गया तो इस वाले में यानी इस रिएक्शन में प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा? बैकवर्ड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो आई होप कि कॉमन आयन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिसोसिएशन होता है वो कमजोर पड़ जाता है इफ वी एड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में एक पार्ट कॉमन होता है, जिस वजह से इक्विलिब्रियम बेटा रिएक्टेंट की ओर शिफ्ट होता है। ओके डन बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है देखो बफर सॉल्यूशन। बेटा बफर सॉल्यूशन नेक्स्ट कंटेनर देखो, तो बफर सॉल्यूशन ये क्या ना कि दावत जैसा कुछ हिंट दे रहा है, समझो बफर जैसे क्या ना कि जैसे लगता है मुंह में पानी आ गया, शादी ब्याह में जाने का मन कर गया, ठंडी के बच्चे टाइम ही चल रहा है, तो ठीक ठाक आप दावत से घूम फिर के भी आए होंगे, तो ये टॉपिक आपको काफी हद तक अच्छे समझ में भी आ जाएगा। बेटा सिंपली मैं तुमको अपनी तरफ समझा दूं, तो देखो बफर सॉल्यूशन का सिंपली बेटा मतलब ये है कि जब हम शादी ब्याह में जाते हैं या हम लोग के जो 16-17 एज ग्रुप होता है उसमें हम लोग ढेर सारे तरह तरह के जंक फूड खाते रहते हैं, तो क्या हमारे ब्लड का पीएच चेंज होता है? क्या हमारे यूरिन का पीएच चेंज होता है? क्या हमारा जो लार होता है जिसे सलाइवा कहते हैं, क्या इसका बेटा पीएच चेंज होता है? नथिंग, फर्क नहीं पड़ता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जब हम ढेर सारे उसमें जंक फूड या एसिडिक फूड खाते हैं, बहुत सारे बेसिक फूड खाते हैं, तो हमारे बेटा ब्लड का पीएच चेंज नहीं होता है, यूरिन का पीएच चेंज नहीं होता है, सलाइवा का पीएच चेंज नहीं होता है। बेटा इसी को कहते हैं बफर सॉल्यूशन कहा जाता है। अब जरा देखो स्टेटमेंट क्या लिखा गया है, अ सॉल्यूशन विच कैन रेसिस्ट, अ सॉल्यूशन विच कैन रेसिस्ट, यानी रेसिस्ट का मतलब कि चेंज ना होना, उसका अवरोध करना समझो, चेंज ना होना सिंपली मतलब है। द चेंज इन पीएच ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस, सिंपली बेटा इसका मतलब यह है, इसका मेरे हिसाब से लैंग्वेज और ये कर सकते हो, द पीएच डज नॉट चेंज ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस, यानी कि सिंपली क्या हो गया, बफर सोल्यूशन वो पार्ट होता है कि पीएच चेंज ना हो, यानी ऐसा सोल्यूशन जिसमें हम एसिड और बेस को मिला देने से स्मॉल अमाउंट पर पीएच का चेंज ना हो। अब ढेर सारे क्या ना गर्दन तक चाप के खा लोगे तो तुम्हारा पेट खराब नहीं हो जाएगा, बात करते हो तुम्हारा पीएच चेंज नहीं होगा, तो ये सिंपली किताबी भाषा है, ढेर सारे गर्दन तक यहाँ चाप के खा लो, देखो तुम्हारा पीएच कैसे चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ये सब किताबी भाषा है, प्रैक्टिकल लाइफ से अलग होता है। कभी ऐसा मत गलती करना कि मान चलो सर ने बता दिया है, अब अगले दिन दावत जाना, कुछ भी खाओ कुछ नहीं होगा, अगले दिन स्कूल नहीं आ पाओगे बच्चे, इस तरह का ध्यान रखे रहना, ये सब किताबी नॉलेज है। ओके देखो इसमें, क्योंकि ये सब चीज़ें थोड़ा इन्फॉर्मेशन इसमें ले लिया गया है, तो मैं सोचना कि हम जाएंगे तो ढेर सारे इसमें भोजन को चाँप लेंगे और क्या कहते हैं हमको, तो कुछ हो भी नहीं करेगा, क्योंकि बफर सॉल्यूशन तो यही कहता है, ये सब चीज़ें किताबी बच्चे नॉलेज है। ओके ऐसा एक्सपेरिमेंट कभी मत करना, नहीं तो भाई इसका दोषी हम नहीं है, अपनी जिम्मेवारी खुद समझना। देखो अच्छा आगे से, तो मेरा काम है कि आपको टॉपिक को थोड़ा और आसान बनाना है इंटरेस्टिंग वे में, इसलिए थोड़ा सा मैंने अपनी तरफ से अंदाज में एग्जाम्पल के सामने पेश किया बच्चे। ओके तो थोड़ा इंटरेस्टिंग अंदाज में सीखने का प्रयास करो, यानी कि दावत में जाओ कुछ भी खाओ पियो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये बातें ऐसा बफर सॉल्यूशन बोलता है, लेकिन इसको ट्राई मत करना। ओके क्योंकि पेट खराब हो सकता है, एसिडिटी बढ़ जाएगा बच्चे। देखो इसमें तो बफर सॉल्यूशन के बच्चे दो टाइप्स होते हैं, एक वीकली, क्योंकि चैप्टर मैंने बोला है भाई कि वीकली ही आना है समझो, स्ट्रॉन्ग बफर तुम्हें पढ़ना ही नहीं है समझो, तो वीकली एसिडिक बफर बेटे। अगला क्या है, बेसिक बफर है। तो वीकली एसिडिक बफर क्या होता है, देखो स्टेटमेंट कितना अच्छा लिखा गया है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ऑफ इक्विमोलर अमाउंट्स ऑफ वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, यानी वीक एसिड लोगे सॉल्ट लोगे, सॉल्ट किसका लोगे, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का लोगे बच्चे, डन हो गया। यानी वीक देखो इक्विमोलर अमाउंट से सॉल्यूशन बनाना है तो वीक एसिड लोगे सॉल्ट लोगे, वीक एसिड बच्चे क्या लोगे, वीक एसिड के साथ क्या लोगे, स्ट्रॉन्ग बेस लोगे जो सॉल्ट यूज करते हैं, क्योंकि सॉल्ट जो होता है एसिड बेस रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है, पानी बनता है बच्चे, डन। अब जरा देखो तो मैंने इसमें एग्जाम्पल याद रखने हैं, दीज आर द एग्जाम्पल। ओके देखो इसमें एग्जाम्पल बेटा ये क्या है, एसिटिक एसिड है, दिस इज द वीक एसिड, आइडेंटिफाई कर लिए।
अब देखो इसमें ये एन ए आ गया भाई, ये एच हटा और यहां पर तुमने बेस रिएक्ट कराओगे तो पानी निकल गया, ये वाला पार्ट जुड़ जाएगा। तो बेटा ये एन ए आया होगा स्ट्रॉन्ग बेस से आया होगा, इसलिए देखो इलेक्ट्रोलाइट पढ़ाया गया है। ये कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक एसिड है। और ये क्या हो गया तुम्हारे पास? सॉल्ट हो गया, क्योंकि माइनस है एन ए पर प्लस आ जाएगा। बेटा ये क्या हो गया? वीक एसिड और ये सॉल्ट हो गया, तो क्या कहलाएगा? वीकली एसिडिक बफर कहलाएगा, एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक बफर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ये वीक एसिड है, ये इसका सॉल्ट है। एससीएल में देखो वीक एसिड होते हैं, इसमें एच हटा दोगे एन ए चिपका दोगे, तो एन ए पर प्लस, साइनाइड पे माइनस, तो प्लस माइनस को बच्चे सॉल्ट बोलते हैं। अगला एग्जाम्पल देखो, ये भी बच्चे क्या है? वीक एसिड है प्लस सॉल्ट है, तो इसमें एस टू हटा दोगे एन ओ टू लगा दोगे या मैग्नीशियम लगा दोगे या कैल्शियम लगा दोगे, बस सॉल्ट होना चाहिए। ओके, तो ये एग्जाम्पल बेटा किसके हो गया? यानी कि एसिडिक बफर का हो गया। अगला देखो बच्चे, बेसिक बफर है, तो बेसिक बफर में क्या ना स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ ऐसे जोड़ लेना, मेनली लाइन इसमें ये चेंज होगा, वीक बेस हो गया प्लस सॉल्ट हो गया, वीक बेस हो गया प्लस सॉल्ट हो गया। तो वीक बेस और सॉल्ट में क्या लोगे? देखो जो ये वीक होगा वो सॉल्ट में तो होना ही होना है, अब वीक बेस हो गया तो दूसरा क्या होगा? उसका अपोजिट और तगड़ा होना चाहिए, तो वीक बेस होगा प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड होगा सॉल्ट वाले में। ओके, तो वीक बेस में देखो तुम्हारे पास ये एग्जाम्पल सबसे फेमस आता है, NH4OH आता है, तो इसमें OH को हटा दोगे Cl चिपका दोगे तो क्या हो जाएगा? देखो Cl किससे बच्चे आएगा? Cl आया होगा HCl से, तो HCl क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग एसिड, NH4OH क्या हो गया? वीक बेस हो गया, ये सॉल्ट हो गया और बेटा ये वीक बेस हो गया और ये तुम्हारे पास सॉल्ट हो गया। ओके, अब बच्चे इसमें देखो क्या ना कि अगर हमें बफर सॉल्यूशन मालूम चल गया है तो हाउ टू कैलकुलेट pH, तो pH के लिए निकालने के लिए हेंडरसन एक इक्वेशन आता है, ये हमारे एनसीईआरटी के साइंस सिलेबस में ये पोर्शन टू बी रिड्यूस है, लेकिन फिर भी आप इस फॉर्मूले को जान जाओ क्योंकि आगे एकेडमिक लेवल से जो आप सीयूटी एग्जाम दोगे या जेई नीट दोगे उनमें हो सकता है कभी कभी चीजें ये पूछ लेता है सिंपली। बेटा पीएच निकालने का फॉर्मूला अगर एसिडिक है समझो तो पीके आएगा, एसिड के लिए क्या यूज करोगे? पीके आएगा, लॉग सॉल्ट प्लस एसिड आएगा, तो सिंपली फॉर्मूला याद कर लेना है, बाकी फॉर्मूले पर वैल्यू पुट कर दोगे तो सिंपली पीएच आ जाएगा। ओके, आगे देखो किसी बुक से आप इस पे न्यूमेरिकल देख लोगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा तो आप मेरे को क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में भेज सकते हो। तो पीओएच निकालना है तो ओएच के लिए क्या यूज करोगे? पीके बी यूज करोगे और पीएच के लिए पीके, बाकी लॉग है सॉल्ट है, नीचे आएगा बेस, अगर बेस होगा तो बेस, एसिड होगा तो नीचे एसिड आएगा। बेटा ये क्या हो गया? वीक बेस के लिए हो गया। ओके, तो ये भी दो आपका टॉपिक क्लियर हो गया, कॉमन आयन इफेक्ट हो गया और आपके पास बफर सोल्यूशन हो गया। आई होप ये दोनों कंटेंट आपको समझ में आ गए होंगे, इनका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लोगे तो ठीक ठाक लगेगा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो बच्चों फाइनली हम लोग वन शॉट के रिवीजन में आखिरी कंटेंट पर आ चुके हैं जिसका नाम है बच्चे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। तो इससे पहले हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट भी आते हैं, तो हमारे एकेडमिक पोर्शन में बच्चे पोर्शन टू बी रिड्यूस है तो उसको आप छोड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आता है और इस चैप्टर का ये फाइनल चैप्टर माना जाएगा इसको, यानी फाइनल कंटेंट माना जाएगा इसको। तो बच्चे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का जो इंडिकेशन होता है KSP से लिखते हैं, के स्टैंड्स फॉर इक्विलिब्रियम एंड एस स्टैंड्स फॉर सॉल्युबिलिटी एंड पी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट, ये इसका लैंग्वेज क्लियर हो गया। तो देखो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के जो क्राइटेरिया है ये बच्चे जनरली जो अप्लीकेबल होता है, स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट, स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट का मतलब जो पार्शियली सॉल्युबल होते हैं समझो, और इसमें क्राइटेरिया ये है जिसकी मोलारिटी लेस देन 0.01 मोलारिटी से लेस होते हैं। तो ये डेटा कहना है कि कभी कभी जेई वगैरह नीट वगैरह में पूछ लिया जाता है बच्चे, स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट जिनका 0.01 मोलारिटी से क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, उन्हीं का हम केएसपी निकालते हैं। इनमें एग्जाम्पल बच्चे आते हैं, एग्जाम्पल नोटिस करोगे तो जैसे AgCl आता है, ठीक है, जैसे PbCl2 आता है, ओके, जैसे बच्चे MgCl2 अगर आते हैं, ये सब हमारे एग्जाम्पल बच्चे आ सकते हैं इसमें। अब देखो जैसे इसमें क्या है इंफॉर्मेशन, इक्विलिब्रियम जो स्टेबलाइज होता है वो आयन्स हो गया, जैसे Ag+ आयन्स हो गए, कैटायन एनायन हो सकते हैं, एंड सॉलिड सॉल्ट हो गया। देखो ये सॉलिड सॉल्ट AgCl हो गया और आयन्स के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होता है, तो ऐसे वाले को हम लोग बोलते हैं बेटा KSP बोलते हैं। अब देखो स्पेशली बेटा इसमें कैसे निकालोगे, आप देखो तो इसमें आप कैसे निकालोगे, तो अब देखो इसके डिजोल्यूशन को आप मान लीजिए कि S मोल पर बेटा लीटर है,
एस मान लेते हैं सॉलिबिलिटी, एस क्या इंडिकेट करेगा, सॉलिबिलिटी इंडिकेट करेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में या स्पेशली इनफॉर्मेशन सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी बच्चे ये एस मोल पर लीटर हो गया, तो कभी एस पूछ सकता है, कभी केएसपी पूछ सकता है। देखो मुझे इसका बेटा सिंपली केएसपी कैसे लिखोगे, अगर बेटा इसका केएसपी मुझे लिखना है तो जैसे इक्विलिब्रियम लिखते हो सब कुछ वैसे ही है, तो कैसे लिखोगे, एजी का कॉन्सेंट्रेशन जो आयंस होंगे अक्वस में उनका केपी लिखा जाता है, केसी लिखा जाता है, या सिंपली हम के कह सकते हैं, लिख सकते हैं कैसे, तो जो आयंस होते हैं अक्वस होते हैं या जो स्पेशली हमारे पास गैसियस फेज होते हैं उन्हीं का इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट बेटा लिखा जाता है। सॉलिड का, लिक्विड का केपी एंड केसी एंड इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट टेकन एज यूनिटी एक होता है उनका। तो अब देखो इनकी वैल्यू पुट कर दोगे बच्चे, तो वैल्यू पुट कर दोगे एजी प्लस का क्या है एस है, तो एस ये भी है, तो ये क्या आ जाएगा बेटा केएसपी आ जाएगा, तो केएसपी इज इक्वल टू व्हाट, केएसपी इज इक्वल टू आ गया एस स्क्वायर आ गया, तो जब एस निकालोगे तो अंडर रूट केएसपी आ गया, तो दिस इज द रिलेशन देखो। ओके अब बेटा देखो इसी में क्या ना कि मैं आपको और ढेर सारे इसमें एग्जांपल करा देता हूं, ये तो सिंपली मोनो वाला था, क्या था बेटा मोनो वाला था। अब देखो जैसे तुम्हारे पास ये ए टाइप का एग्जांपल हो गया, मैंने आप इसमें क्या ना कि डेफिनेशन कम पूछता है, मेनली इसमें बच्चे क्या पूछता है जो इसमें एग्जांपल होते हैं ये इसके टाइप पूछ लेता है कि इसमें क्या इसका एक्सप्रेशन आ सकता है, तो मैं दो चार एग्जांपल और करा देता हूं ताकि इसमें और आपको अच्छा फील आ जाए बच्चे। जैसे देखो मोनोडेंटेड वाले जैसे PbCl2 बेटा है, क्या एग्जांपल है PbCl2 है, तो इसको आयनाइज करोगे तो ये Pb2+ में टूटेगा और ट्वाइस Cl- में टूटेगा, तो इस वाले का मोल पर क्या मान लोगे एस मोल पर लीटर मान लोगे, तो देखो यहां पर एक था तो एस होगा, यहां पर कितने हैं दो तो क्या हो जाएगा टू एस हो जाएगा बच्चे। तो इसका अगर आप क्या लिखोगे केएसपी लिखोगे, अगर बेटा इसका केएसपी लिखोगे तो कैसे लिखोगे, पीबी का क्या हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन टू प्लस है और सीएल माइनस क्या है बेटा माइनस है, और देखो कोफिशियंट जो होते हैं वो पावर में चले जाते हैं क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले ठीक ठाक इसे पढ़ चुके हैं। अब पीबी का वैल्यू कितना दिया गया बेटा एस दिया गया है, सीएल देखो कितना दिया गया हमारे पास टू एस दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा टू एस का होल स्क्वायर हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना क्योंकि बच्चे इसमें ज्यादा मिस्टेक करते हैं। तो बेटा इसका केएसपी कितना आ गया, इसका केएसपी आ जाएगा देखो दो दो चार हो गया एस स्क्वायर हो गया, तो एस स्क्वायर और एस के पावर वन है तो यहाँ कितना हो जाएगा फोर एस क्यूब हो जाएगा, तो दिस इज द फाइनल आंसर हो गया। एक और बेटा इसमें एग्जाम्पल करा देते हैं, देखो नेक्स्ट वेराइटी में तुम्हें एग्जाम्पल करा देता हूँ, इस वाले का आ जाओ AlCl3 आ जाइए, इसको तोड़ोगे तो बेटा ये Al तीन प्लस टूटेगा और तीन Cl- में टूटेगा, डन हो गया। मुझे इसका देखो KSP बच्चे निकालना है समझो, तो इस वाले का KSP लिखोगे, इस वाले को S मोल पर लीटर मान लोगे, यानी कि इसमें मान लो कि एल्यूमिनियम बी सॉलिबल S मोल पर लीटर, दिस इज द सॉलिबिलिटी, इसमें क्या हो जाएगा तीन S हो जाएगा, तो जो जितना होगा उतना उसको एज्यूम कर लोगे। इसका बेटा KSP निकालना है तो कैसे लिखोगे, Al का तीन प्लस कॉन्सेंट्रेशन फिर क्या हो जाएगा Cl- का कोफिशियंट कितना है तो पावर तीन हो जाएगा, इसकी वैल्यू एस हो जाएगा और यहाँ पर कितना है जी जितना होगा उतने का क्या कर दोगे क्यूब कर दोगे, क्योंकि Cl कितना दिया गया तीन एस माने हैं आपने, तो इसका देखो तीन का क्यूब करोगे सत्ताईस आएगा, एस की पावर तीन करोगे तो क्यूब आएगा, क्यूब प्लस एक चार कितना हो जाएगा बेटा ट्वेंटी सेवन एस की पावर फोर हो जाएगा, तो दिस इज द केएसपी। AlCl3 के लिए केएसपी कितना हो गया सत्ताईस एस की पावर फोर हो गया बेटा, क्लियर हो गया। अब मैं तुम्हें देखो इसका एक शॉर्ट ट्रिक बना सकता हूं कि देखो इसमें क्या कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक जरा देखो, तो बेटा इसमें सिंपली क्या है ना, एक इसका देखो जैसे सपोज तुम्हारे पास ax है और बेटा ये आपके पास by दिया गया है, एज्यूम करो देखो हमारे पास ऐसे एग्जांपल दिया गया है, फिर इसका एक जनरल टर्म बना लेते हैं क्या हो सकता है। देखो तो बेटा इसको तोड़ोगे देखो जो ये y होता है ना वो a से आया होगा, तो ये बेटा क्या हो जाएगा x a और ये y पर प्लस, पहले जो लिखा जाएगा प्लस लिखा जाता है, मैं तुम्हें देखो एक एग्जांपल से फील कराता हूँ, देखो ये कैसे हो रहा है। सपोज आपने बेटा Na2SO4 लेते हो, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि दो किसका होता है, दो होता है सल्फेट का होता है, तो जब बच्चे इसको तोड़ते हो तो इस पर क्या चार्ज आता है प्लस आता है, और सल्फेट पर कितना समझो 2SO4 और ये दो माइनस चार्ज होता है, ठीक है।
और जो ये कोफिशियंट है इसका दो ये प्लस दिखाते हो, तो मतलब कोफिशियंट क्या होगा, ये बाहर आ जाएगा, और जो ये डिजिट होता है ये दूसरे वाले का पावर होता है। आई होप कितनी थोड़ी बातें समझ गए होंगे। जैसे एक और देखो एग्जांपल, Al2SO4 का होल थ्राइज बेटा है, इसको जरा तोड़ो। इसको बच्चे जब तोड़ोगे तो स्पेशली क्या आएगा इसमें देखो, तो देखो दो एल्युमिनियम है ना, और ये तीन किसका है, यानी तीन आया होगा एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम पे तीन चार्ज होते हैं बेटा, ठीक है। ये तीन पर प्लस हो गया, ये देखो SO4 कितना है जी, तीन, तो तीन को फिसिट में लगाओ। इस पर चार्ज कितना है समझो, ये तुम्हारे पास दो इसका है समझो, तो दो इसके ऊपर भेज दोगे तो टू माइनस हो गया। मतलब समझाने का मेरा ये पर्पज है कि जो ये कोफिशियंट है ये पावर चला जाएगा दूसरे वाले के, और जो तुम्हारा ये डिजिट है ये इसका कोफिशियंट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गया। तो देखो ये जनरल टर्म बना लेते हैं, फिर मैं तुमको इस पर KSP निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा बच्चे। तो देखो ये तुम्हारा क्या हो गया, देखो एक्स कोफिशियंट आ जाएगा, y चला जाएगा a पर, पहले लिखोगे प्लस, पहले लिखते हैं बाय कन्वेंशन प्लस लिखते हैं। फिर बच्चे क्या हो जाएगा, ये देखो y हो जाएगा ऐसे, b हो जाएगा, x क्या हो जाएगा माइनस के साथ हो जाएगा। तो पहले प्लस लिखोगे फिर बाद में बेटा माइनस लिखोगे। अब क्या करो इसको, अब बच्चे इसको सॉल्व करो। देखो इसका KSP निकालते हैं, देखो कैसे निकालते हैं इसका बच्चे KSP निकालोगे तो देखो कैसे हो जाएगा। इसको मान लो सपोज S मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं S मोल पर लीटर मान लेते हैं, ये भी मान लोगे S, ये भी मान लोगे S, तो बेटा इसका KSP कैसे लिखोगे। तो पहले आप a की पावर y प्लस है ना, और इसका बेटा कोफिशियंट क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। बोलो यहाँ तक एग्री करते हो, बात सही है, ठीक है। और बच्चे क्या हो जाएगा, ये तुम्हारे पास b x की पावर माइनस, और ये हो जाएगा y, ओके। अब देखो जो ये होता है वो यहाँ पर x हो जाएगा, अगर ये y है तो बेटा यहाँ पर y हो जाएगा। अब ये सारी वैल्यू पुट करते हो तो x s की पावर x हो जाएगा, और बेटा ये y s की पावर y हो जाएगा। फिर देखो इससे क्या समझ में आता है, x की पावर x हो गया डन, और s की पावर x, y की पावर y, और s की पावर y हो गया। अब देखो बच्चे यहाँ पर s इसमें कॉमन है, तो s x प्लस वाई, एक्स की पावर x, y की पावर y हो गया। तो दिस इज द फाइनल रिलेशन ऑफ KSP। ये एक बार बच्चे नीट में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ इसका बच्चे। शॉर्ट ट्रिक देखो क्या है कि तुम्हारे जो फॉर्मूले बने हुए हैं इनको कैसे और अच्छे से रिलेट कर सकते हो। देखो देखो बच्चे यहाँ पर जैसे तुम्हारे पास ये रिलेशन है समझो AlCl3 है। देखो फाइनल रिलेशन कैसे याद कर सकते हो, इसमें Al का देखो कोफिशियंट कितना है यहाँ पर बच्चा, एक है, ठीक है, और यहाँ पर कितना है जी, तीन है। तो जितना कोफिशियंट होगा वो पावर में चला जाएगा। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा S की पावर 1 हो गया, और यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3 हो जाएगा। तो 3 की पावर 3 कितना आ गया, 27 हो गया। तो ये तुम्हारे पास 27 हो गया, और ये S हो जाएगा, और ये S की पावर क्यू। तो जरा सिंपली मिला लो यहाँ पे, तो S की पावर X प्लस वाई, तो सिंपली क्या हो गया, 1 + 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो बेटा तुम्हारा देखो, आओ थोड़ा यहाँ समझा देते हैं, AlCl3 है तो S की पावर, ये मान लो कि X है, ये मान लो बेटा Y है, देखो टैली हुआ, X की वैल्यू 1, Y की वैल्यू 3 हो गया। तो इसमें कितना हो जाएगा, S की पावर 1 प्लस 3 हो गया, ठीक है, और 1 की पावर 1, 1 की पावर 1, और बेटा 3 की पावर 3। तो फाइनल आंसर निकालोगे तो 27 S की पावर 4 आ गया। देखो मैं तुम्हें ऐसे एक और एग्जांपल करा देता हूँ, जैसे बेटा Al2SO4 का होल थ्राइस है, आओ जरा इसको निकालते हैं। तो देखो S की पावर कितना हो जाएगा, 2 + 3, ये X हो गया, ये Y हो गया, तो कितना हो जाएगा जी, 5 हो जाएगा। S की पावर बेटा ये 5 हो जाएगा, S थोड़ा अच्छा से बना लो, तो S की पावर 5 हो गया। और देखो 2 की पावर 2, और बेटा क्या है, 3 की पावर 3, तो 2 की पावर 2 कितना आएगा, 4 आएगा, और ये 27 100 के बेटा 108 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 108 S की पावर 5, दिस इज द आंसर। देखो ये इसका शॉर्ट ट्रिक है, ओके, ये बेटा क्या है, इसका शॉर्ट ट्रिक है। तो क्वेश्चन चाहे जिस भी रूप में आए, शॉर्ट ट्रिक से निकालो या इसको इस तरीके से निकालो, दोनों ही तरीका बेटा यहाँ पर अच्छे हैं। तो बेटा इसमें मेरा पूरा वन शॉट पूरी तरह से क्लियर हो गया। आई होप कि इस वीडियो लेक्चर से आप काफ़ी एग्री करते होंगे। अगर फिर भी अगर आपका कुछ यहाँ पर बेटा डाउट रह गया होगा
तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन जो है लिख के सेंड कर सकते हैं, या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप में भी आप मेरे को सेंड कर सकते हैं। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे वेबसाइट के बच्चे आप सर्च कर सकते हैं, benjininstitute.com के नाम से है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो यहाँ पर मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। वहाँ पर मेरे ढेर सारे PDF के फॉर्मेट में कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हुए बच्चे। आई होप कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करें।